हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी जी हाँ दोस्तों सभी मेरे प्यारे दोस्त साथ ही जल्दी से पहुंच जाएंगे क्लास में रीजनिंग की महामराथन क्लास स्टार्ट हो गई है तो सभी पहुंचेंगे जल्दी से क्लास में रीजनिंग की लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है एसएससी जीडी वालों के लिए रामबाण क्लास है एस एस के लिए रामबाण क्लास स्टार्ट हो गई है सभी मेरे शेर शेर ने जल्दी से पहुँच जाएंगे फटाफट क्लास में वेलकम 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 जल्दी से पहुँचेगा सभी फटाफट एस एस के लिए ब्रह्मास्त्र क्लास स्टार्ट हो गई है दोस्तों एस एस के लिए ब्रह्मास्त्र क्लास जी हाँ मेरे साथ शेर शेर ने एस एस के लिए ब्रह्मास्त्र क्लास रीजनिंग की रोज क्लास में आइए इस क्लास का टाइम रहता है रोजाना शाम को सात बजे रोज क्लास में आना स्टार्ट कर दीजिए अगर आप एस एस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये क्लास दोस्तों ब्रह्मास्त्र क्लास है अगर आप रेगुलर क्लास में आएंगे इस क्लास से आप दोस्तों अपने एस एस के एग्ज़ाम को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हैं कंडीशन दोस्तों ये है कि आपको क्लास में रोज आना पड़ेगा रेगुलर आना पड़ेगा अगर आप क्लास में रेगुलर नहीं आ सकते दोस्तों फिर एग्जाम भी भूल जाइए तो मेरे साथ इस क्लास को अगर आप रेगुलर अटेंड करेंगे ये क्लास रहती रोज़ शाम को सात बजे रोज शाम को सात बजे क्लास में आइए और तैयारी को मजबूत बनाइए ठीक है जी हाँ दोस्तों अब की बार एस एस पर अवश्य आपका जी का एग्जाम निकलेगा इस क्लास को कभी भी दोस्तों मिस नहीं करना है किसी भी हाल में बस दोस्तों आप रोज़ क्लास में आ जाइए और तैयारी को मजबूत बनाइए ठीक है जी हाँ मेरे शेर सिर ने फिक्स टाइम क्लासेस का ये नहीं कि रोज चेंज होता है क्लास सभी क्लास का फिक्स टाइम रहता है ठीक है ना ये क्लास शाम को सात बजे अगली क्लास है रात को नौ बजे रात नौ बजे होगा दोस्तों हमारा जीके का डोज एसएससी जीडी के लिए ब्रह्मास्त्र क्लास होगी रात को नौ बजे ठीक है जी हाँ दोस्तों रात को नौ बजे एस एस के लिए ब्रह्मास्त्र क्लास है जी का डोज समय पर पहुँच जाना ठीक है सभी क्लास दोस्तों एस एस के लिए चल रही हैं और सभी क्लास दोस्तों हमारी ब्रह्मास्त्र क्लास हैं बस आप रेगुलर क्लास में आइए और दोस्तों तैयारी को मजबूत बनाइए कभी भी दोस्तों क्लास को मिस नहीं करना है पहली बार क्लास में आई हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे रोजाना सुबह छः बजे पहली क्लास होती है सुबह आठ बजे फिर उसके बाद साढ़े बारह बजे मॉर्निंग में से सुबह दस बजे रीजनिंग के रिविज़न क्लास होती है शाम को साढ़े चार बजे रीजनिंग की क्लास होती है रोज क्लास में आइए दोस्तों तैयारी को मजबूत बनाइए पहली बार क्लास में आई हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे जी हाँ दोस्तों, अगर आप रोज क्लास में आएंगे तैयारी तो क्लास, क्लास, क्लास को मिस मत कीजिए किसी भी हाल में दोस्तों क्लास को मिस नहीं करना है ठीक है रोज क्लास में आइए तैयारी को दोस्तों मजबूत बनाइए ठीक है तो चलेगा दोस्तों फिर अभी क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं सभी साथी बोलेंगे एक साथ ही बोलेंगे से। जाए हिंद, जाए भारत, दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं लीजिएगा हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया जबरदस्त है दिग्गज श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिएगा दोस्तों ये दोस्तों एस एस में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है मोस्ट क्वेश्चन है राधा को

रेगुलर आना स्टार्ट कर दे जेस के प्रजापति रविंद्र पाल नागर रागिनी सोनी कुमारी वेलकम वेलकम मिस्टर योगेश कुशवाहा वेलकम वेलकम चंदन कुमार गोंड वेलकम 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 तो पहला क्वेश्चन देखिए जबरदस्त क्वेश्चन चलेगा दोस्तों फटाफट क्वेश्चन करवाते हैं ठीक है क्लास को आगे बढ़ाते हैं तो पहला क्वेश्चन देखिएगा श्रृंखला का क्वेश्चन है छह इक्कीस इक्यावन छियानवे क्वेश्चन मार्क तो दोस्तों बेहतरीन ये क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन है कैसे इस क्वेश्चन को आप दोस्तों सोल्व करेंगे देखिएगा दोस्तों जबरदस्त है यहाँ डिफरेंस देखेंगे छः में दोस्तों पंद्रह जोड़ दिया इक्कीस आ गया छह में क्या जोड़ दिया पंद्रह जोड़ दिया इक्कीस आ गया ठीक है दोस्तों इक्कीस में क्या जोड़ दिया आगे देखिए इक्कीस में जोड़ दे यहाँ पर दोस्तों तीस इक्कीस में तीस जोड़ दिया इक्यावन आ गया दोस्तों अब देखिए इक्यावन में क्या जोड़ा यहां इक्यावन में जोड़ दे यहाँ पर दोस्तों फोर्टी छियानवे आ गया अब देखिए पंद्रह तीस 45 पंद्रह पंद्रह का डिफरेंस है तो 45 के बाद आएगा साठ तो छिया में हम क्या जोड़ेंगे दोस्तों साठ जोड़ेंगे छियानवे में क्या जोड़ देंगे साठ तो छियानवे में साठ जोड़ेंगे तो कितना आएगा 156 156 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा उम्मीद करता हूं दोस्तों हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं दोस्तों हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया दोस्तों अब की बार एस एस पार बहुत ही जबरदस्त आपकी तैयारी है लाजवाब आपकी तैयारी है उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन दोस्तों याद रखना एस एस के एग्जाम में 2019 में पूछा जा चुका है जिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम का नाम सिफ्ट का नाम दोस्तों मैंने देखे आपके सामने क्वेश्चन के नीचे ही लगा रखा है आप देख सकते हैं और आप रियल में चेक भी कर सकते हैं इस दिन दोस्तों जो एग्जाम हुआ था आपको मालूम हो जाएगा दोस्तों आपको मालूम हो जाएगा ठीक है कि रियल क्वेश्चन है या फेक क्वेश्चन है लेकिन तो सौ दोस्तों रियल क्वेश्चन है ठीक है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन इस क्लास में दोस्तों मैं करवा रहा हूँ कोई भी इसमें जोट नहीं है कोई फेक नहीं है सब कुछ सही है तो शाबाश पढ़िए और आगे बढ़िए ठीक है जी हाँ मेरे शेर शेर ने हूं चलेगा फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेहतरीन क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन है तो लीजिए का दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा चलेगा ये भी सीरीज का क्वेश्चन है देखिए श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए दोस्तों अगर आप इस क्लास में रेगुलर आएंगे गारंटी से कहता हूं एस एस के एग्जाम को आप अब की बार क्रैक कर लेंगे अगर आप रेगुलर दोस्तों क्लास में आएंगे अब की बार एस एस में सिलेक्शनों का सौ कोई नहीं रोक सकता है बस दोस्तों आपको रेगुलर क्लास में आना है जो क्वेश्चन में क्लास में करवा रहा हूं सेम क्वेश्चन

अलग से क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग से तो बनेगा फटाफट फड़। थोड़ा सा माइंड यूज करना है क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ज्यादा कुछ क्वेश्चन इसके अंदर दोस्तों सीरीज के मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके एग्जाम में भी दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन सीरीज के आएंगे चिंता मत कीजिए सीरीज के क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं एग्जाम में और एस एस में कम से कम आठ से लेकर दस क्वेश्चन आएंगे सीरीज के ठीक है क्योंकि सीरीज दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है तो अच्छे से दोस्तों आप यहाँ पर तैयारी कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए ठीक है कुछ भी हो जाए बस सिलेक्शन लेना है दोस्तों ठीक है मैंने बात सिलेक्शन की है दोस्तों सिलेक्शन हो जाए बस है ना बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा सिलेक्शन लेना है सौ परसेंट तो गारंटी से कहता हूं इस क्लास में आप रोज आइए सौ परसेंट सिलेक्शन वाली क्लास है ये सौ परसेंट सिलेक्शन वाली क्लास है दोस्तों आप रोज क्लास में आइए और तैयारी को मजबूत बनाइए ठीक है अगर आप सौ परसेंट सिलेक्शन चाहते हैं तो इससे बेटर क्लास आपको कहीं पर नहीं मिल सकती है तो क्वेश्चन क्या दिया है देखिएगा नौ के बाद दिया इक्कीस इक्कीस के बाद दिया है दोस्तों अड़तीस अड़तीस के बाद दिया है दोस्तों पैंसठ चलेगा अब इसको सोल्व कर लेते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे चलेगा दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन है देखिएगा दिया क्या गया सबसे पहले आप यहां पर देखिएगा देखिए नौ में क्या जोड़ा यहां नौ में जोड़ दिया दोस्तों बारह बारह जोड़ दिया इक्कीस आ गया इक्कीस में यहां देखिए क्या जोड़ा इक्कीस में जोड़ दिया सत्रह सत्रह जोड़ा अठाईस ग... अड़तीस आ गया अड़तीस में दोस्तों यहां पर जोड़ दिया सताइस सता जोड़ दिया पैसठ आ गया दोस्तों अब आगे कैसे बढ़े ये डिफरेंस ही कुछ अलग आ रहा है डिफरेंस अलग कैसे आ रहा है यहां देखिए पांच का डिफरेंस डिफरेंस में डिफरेंस निकाल लीजिए सत्रह में सत्रह के बाद सताइस है ना डिफरेंस में तो यहां देखिए कितने का डिफरेंस दस का डिफरेंस यहां पांच यहां दस

जल्दी से सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को फटाफट क्या हो जाएगा बेहतरीन क्वेश्चन है ये जबरदस्त है लाजवाब है फटाफट देंगे आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से तैयारी तो आपकी जबरदस्त है लाजवाब है अगर इसी तरीके से आप पढ़ेंगे दोस्तों कामयाब हो जाएंगे श्रेया राजपूत आबास मधु उपाध्याय विशाल चौहान कुमार विजय शिवम गुलशन जीएस जिय, एडिटर विशाल गुलशन सुरेंद्र प्रजापति चंदन कुमार गोंड की प्रजाप्ति का रहती हैं प्लीज रेगुलर क्लास में आइए खुशबू सिंह राधा कुमार राधा कुमारी वेरी गुड ठाकुर प्रे सिंह देखिए क्वेश्चन है श्रृंखला का क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन चलेगा इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं दोस्तों तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे डिफरेंस देखिएगा दोस्तों यहाँ अरे यार मिस्टेक है, माफी चाहता हूँ दोस्तों यहाँ मिस्टेक है यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक है देखिए यहाँ ना एक नहीं आएगा यहाँ एक है यहाँ होगा एक एक सौ नौ है दोस्तों नब्बे नहीं है अनवर हुसैन बहुत बढ़िया ठीक है दोस्तों यहां एक सौ नौ नहीं है यहां है एक सौ नब्बे एक सौ नब्बे है दोस्तों ठीक है ना सोरी माफ़ींचा दो एक सौ नब्बे नहीं एक सौ नौ आएगा यहाँ नब्बे नहीं है नब्बे यहाँ दे यहाँ होगा एक सौ नौ तो अभी डिफरेंस निकलेगा एक सौ नौ में दोस्तों क्या घटाया माइ एक सौ नौ में क्या घटाया चार घटाया एक सौ पाँच आया एक सौ पाँच में से यहाँ देखिए क्या घटाया दोस्तों सोलह घटा दिया ठीक है ना क्या घटा दिया दोस्तों सोलह घटा दिया सोलह घटाया नवासी आ गया नवासी में देखिए यहाँ पर क्या घटाया छत्तीस घटा दिया क्या घटा दिया छत्तीस घटा दिया तिरपन आ गया दोस्तों अब देखिए इसमें क्या घटाया देखिएगा दोस्तों आपको दोस्तों में बता देता हूं देखिए चार क्या है दो का वर्ग सोलह क्या है चार का वर्ग छत्तीस क्या है छत्तीस है दोस्तों छह का वर्ग दो चार छाएगा आठ का वर्ग आठ का वर्ग होता है हो चौसठ तो तिरपन तो में से क्या करेंगे चौसठ घटा देंगे दोस्तों तो कितना जाएगा? आ जाएगा माइनस ग्यारह दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है? है दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तृप्ति तिवारी प्रणाम प्रणाम ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत बहुत बढ़िया वेरी नाइस जबरदस्त मेरे शेर शेरनियों बहुत अच्छी तैयारी है बहुत ही जबरदस्त उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया वेरी वेरी नाइस चलेगा फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया है ये क्वेश्चन भी 2019 में 15 फरवरी 18 फरवरी को दूसरे शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है दो बार रिपीट हुआ था अग, अब अब देखिएगा ये भी दोस्तों क्वेश्चन दो बार रिपीट हुआ था 2019 में देखिए क्या क्वेश्चन है 10/10 भाग में तेरह का संबंध इस प्रकार दो सौ उनहत्तर से है तो बारह भाग सोलह का संबंध किससे होगा तो फटाफट जल्दी से बताएगा दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आंसर देंगे फटाफट दोस्तों पढ़ेंगे तभी कुछ होगा यार क्लास में आए तुरंत भाग भाग्य कुछ नहीं होने वाला है ऐसे एग्जाम करेक नहीं हो आज तक किसी का नहीं होने वाला है अगर दोस्तों कामयाब होना है ना पढ़ना पड़ेगा तो फटाफट जवाब देंगे जल्दी से भाग्य मत पढ़िए शाबाश जो अपने लक्ष्य अपने लक्ष्य से डर के जो भागता है ना दोस्तों जो अपने लक्ष्य से डर के भागते वो कुछ नहीं कर सकता विज रंजन कुमारी दीनदयाल वर्मा बहुत बढ़िया कोई बात नहीं रवि मंडलोई ओके तो मेरे दोस्तों देखिए वही आपको बार-बार एक ही बात मैं बता रहा हूं अगर आप मेरे प्यारे शेर शेरनी हो अगर आप अपने लक्ष्य से डर के भागते ना तो रियल में यार कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपको सफल होना है दोस्तों तो अपने लक्ष्य के पीछे भागना पड़ेगा तो अपने लक्ष्य पड़े तो के पीछे भागना पड़ेगा तो अपने लक्ष्य के पीछे भागिए और दोस्तों कामयाब हो जाइए अपने लक्ष्य के पीछे भागिए और दोस्तों कामयाब हो जाइए ठीक है ना जी हां दोस्तों कामयाब होना है तो पढ़ना पड़ेगा यार कामयाब होना है तो पढ़ना पड़ेगा कामयाबी का, का कोई शॉर्टकट नहीं है ठीक है सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है सफल होने के लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी और दिन रात करनी पड़ेगी जबरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी यही एकमात्र सोल्यूशन है सफलता का सफलता का यही दोस्तों एकमात्र सोल्यूशन है और इसी के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा ठीक है और कोई भी सोल्यूशन नहीं है दोस्तों और कोई भी सोल्यूशन नहीं है सफलता का यही एकमात्र दोस्तों समझ लीजिएगा आपके पास सोल्यूशन है ठीक है तो क्वेश्चन क्या दिया है चलेगा देखिए इसमें दोस्तों देखिए दस और तेरह दिया है ना क्या क्या पता है देखिए दस का वर्ग और प्लस में कर दे तेरह का वर्ग दस का वर्ग कितना होता है दोस्तों दस का वर्ग सो होता है और दोस्तों तेरह का वर्ग होता है एक सुनहत्तर इनको आपस में जोड़ दे कितना आ गया दोनों आ गया देखिए दो सौ उनहत्तर यहाँ दिया है जी यहां दिया है उसी प्रकार दोस्तों हम यहां कर देंगे बारह का वर्ग देखिए क्या कर देंगे बारह का वर्ग और प्लस में सोलह का वर्ग बारह का वर्ग कितना होता है बारह का वर्ग होता है वन फोर्टी फोर और प्लस में सोलह का वर्ग कितना होता है दो सौ छप्पन होता है आपस में जोड़ दीजिए कितना आ गया देखिए ये आ गया दोस्तों चार सौ आ गया तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा चार सौ हो जाएगा चार सौ किस ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो बी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा उम्मीद करता हूं दोस्तों जी हाँ उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत बहुत बढ़िया मेरे शेर शेर ने बहुत बढ़िया जबरदस्त तैयारी है बहुत बढ़िया चलेगा फिर अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और याद रखिए दोस्तों इस क्लास में हर रोज नए क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस क्लास में हर रोज नए क्वेश्चन करवा रहा हूँ और जो क्वेश्चन क्लास में करवा रहा हूँ इससे बेटर क्वेश्चन कोई नहीं है बार बार एक ही बात आप आपके सामने रिपीट करने पड़ रहे जो क्लास में क्वेश्चन करवा रहा हूँ सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे किसी के चक्कर में मत पड़िए सेम यू के यूँ क्वेश्चन आपको दोस्तों आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों प्लीज़ आप पढ़िए ठीक है रोज क्लास में ठीक है जी हाँ विकास कुमार पाल और याद रखना रोजाना है ना रात को नौ बजे दोस्तों रोज रात नौ बजे जो क्लास रहती जी है जीके का डोज नए क्वेश्चन करवाता हूँ रोज नए क्वेश्चन होते रात वाले क्लास में लेकिन आप दोस्तों नहीं आते हैं नाइट में दोस्तों जो नौ बजे क्लास है जीके की क्या दोस्तों जी डी के एग्जाम में जी के नहीं आती है यार रीजनिंग की क्लास में ना बारह सौ बच्चे तेरह सौ चौदह सौ पंद्रह सौ बच्चे आते हैं जी के वाले में कोई नहीं आता क्यों नहीं आते भाई जी के भी तो एग्जाम में आएगी यार जी के ही तो दम निकालेगी जी के का दोस्तों कोई क्या कहते हैं ना जी के का दोस्तों कोई एंड नहीं है जीके का कोई एंड नहीं है जीके जितना पढ़ेंगे उतना ही कम है जीके को आप जितना पढ़ेंगे ना उतना ही कम है दोस्तों जीके का कोई एंड नहीं है इसलिए बार बार आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों जीके की क्लास को किसी भी हाल में आप मिस मत किया करें यार ठीक है ना दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहा हूं ताकि आप कामयाब हो जाएं और सभी क्लास नए क्वेश्चंस के साथ होती है नए क्वेश्चंस के साथ ठीक है चलेगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए बताइएगा फटाफट धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है कभी हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं कभी आसान क्वेश्चन भी आते हैं ठीक है ठीके? कभी हार्ड क्वेश्चन आ जाता है तो आप भाग जाते हैं हार्ड क्वेश्चन आ जाता है भाग जाते हैं आसान क्वेश्चन आता है बोलते सर ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है तो फिर क्वेश्चन हो क्वेश्चन कौन से होते दोस्तों ये भी मुझे नहीं पता यार अपने अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ और एग्ज़ाम में दोस्तों अब मैं जो जिस जैसे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सेम ऐसे एग्जाम में आते हैं कोई फ़र्क नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ठीक है ना जो क्वेश्चन क्लास में करवा रहा हूँ पहले भी यही क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं ठीक है और आगे भी दोस्तों यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे कोई फ़र्क नहीं है बस फ़र्क है तो आपकी सोच का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है अपने सोच सुधारिए आगे बढ़िए ठीक है बाकी काम मेरा है ठीक है देखिएगा दोस्तों गुलशन जाहिद अबासी हां जी के याद ना नहीं होती सर याद नहीं होती रेगुलर आना पड़ेगा निधि पाल जी हाँ। कर कितना हो गया उन्नीस हो गया इसी प्रकार यहाँ कर लेंगे छे का वर्ग और प्लस में तीन छ का वर्ग होता है छत्तीस और प्लस में तीन कर देंगे आ जाएगा कितना छत्तीस प्लस में तीन कितना हो जाएगा दोस्तों थर्टी हो जाएगा कितना

आप गुरुकुल एकेडमी पर एक साल पहले की क्लास देखिए गुरुकुल एकेडमी पर एक साल पहले की क्लास आप देख लीजिए सेम यू की यू क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेंगे गुरुकुल एकेडमी के सेम टू तो सेम क्वेश्चन कॉपी करके वहां पर पढ़ाया जा रहा है और दोस्तों मुझे पता है क्वेश्चन कैसे हैं कहाँ से क्या करवाया जा रहा है ठीक है ना लेकिन सेम यू के यू क्वेश्चन जो गुरुकुल एकेडमी पर पढ़ाए जा चुके सेम यू की क्वेश्चन कॉपी करके जहां आप जाते हैं वहां पर पढ़ाए जा रहे हैं तो बार बार एक ही बात आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों आप ऐसे अपवादों के चक्कर में ऐसे जो टीचर हैं जो खुद अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते हैं जो खुद अपने क्वेश्चंस को कलेक्ट नहीं कर सकते जिनको ये नहीं पता कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो क्या खाक पढ़ाएंगे कैसे आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे दोस्तों गुरुकुल एकेडमी आज तक किसी का कॉपी नहीं किया है गुरुकुल एकेडमी ने सेम क्वेश्चन दोस्तों अपना खुद का कलेक्शन है ठीक है ना एग्जाम जितने पीछे हो चुके हैं प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को उठाया गया क्वेश्चन है ठीक है ना दोस्तों हर एक क्वेश्चन वही से लेता हूं मैं ना कि किसी चैनल में यूट्यूब क्लास में से क्वेश्चन को कॉपी कर लिया ऐसा कुछ नहीं है जो क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों रियल क्वेश्चन है गुरुकुल को, को खुद के क्वेश्चन है किसी को कॉपी नहीं करता हूं मैं ठीक है और जो गुरुकुल गुरुकुलडमी का कॉपी करता है ना वहां आप दोस्तों अच्छे से पढ़ते हैं और बहुत मजा भी आता है आपको वहां है ना तो मेरे दोस्तों वहां जाना छोड़ दीजिए नाम नहीं ले रहा हूं किसी का बहुत से टीचर है जिन्होंने कॉपी कर रखा है

तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन दिया ये एक भाग में दिया है चौदह ठीक है जी हाँ दोस्तों एक फिर दिया है एक भाग में छियानवे यानी वन बाय फोर्टीन का संबंध जिस प्रकार वन बाई वन नाइनटी सिक्स है तो उसी प्रकार वन सिक्सटीन का संबंध किससे होगा तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी देखिए दोस्तों क्या क्या आपको बता दू मैं जैसे वन बाई फोर्टीन ना इसका कर दिया वर्ग इसका वर्ग कर दिया एक का वर्ग होता है दोस्तों एक हो। और चौदह का वर्ग होता है एक सौ छियानवे देखिएगा यहां एक सौ छियानवे दिया इसी प्रकार यहां पर कर लेंगे इसका वर्ग कर देंगे आगे आ जाएगा देखिए एक का वर्ग कितना होता है एक होता है और सोलह का वर्ग कितना होता है टू फिफ्टी सिक्स होता है तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों दो सौ छप्पन दो सौ छप्पन किस ऑप्शन में दिया है दो सौ छप्पन किस ऑप्शन में दिया है दो सौ छप्पन दिया है दोस्तों किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1 /256। तो 1 /256, इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर तो हो जाएगा उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा चौधरी नवोदय करवाएंगे चिंता मत कीजिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा याद रखना चलेगा देखिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया है फटाफट देखेंगे जल्दी से दीघी श्रृंखला में अगला पद याद कीजिए सी सी का संबंध इस प्रकार जी से है तो एल ए का संबंध किससे होगा जवाब देंगे जल्दी से दोस्तों, रोज क्लास में आएंगे, दोस्तों आपकी हाँ रोज क्लास में मनीष कोमल यादव शिवम सिंह बहुत बढ़िया दीपा रानी ठाकुर प्रेसिंग बबन मंडल राखी पूजा गुलशन बहुत बढ़िया वेरी वेरी गुड दोस्तों बहुत बढ़िया जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर

E के बाद दोस्तों अगला अक्षर होता है एफ तो पी एफ किस ऑप्शन में दिया है पी एफ दिया है ऑप्शन नंबर ए में ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का पी एफ इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा जी हाँ दोस्तों अब की बार एस एस सी जी डी पार बहुत बढ़िया जबरदस्त अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए फटाफट क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर बी सी डी का संबंध इस प्रकार डी एफ एच से है तो जे के एल का संबंध किससे है दोस्तों एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्लास में करवा रहा हूं ठीक है ना जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे सेम उसी प्रकार करवा रहा हूं और ये गारंटी से मैं दोस्तों कह रहा हूं जो क्वेश्चन मैं क्लास में करवा रहा हूं ना जो क्वेश्चन में क्लास में करवा रहा हूं सेम यूं के यूं क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे सेम यूं के यूं कोई फ़र्क नहीं मिलेगा दोस्तों सेम क्वेश्चन यूं के यूं क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं बस दोस्तों आप पढ़िए और क्या चाहिए जब यू के यू क्वेश्चन सेम आपको जब एग्जाम में मिलेंगे दोस्तों और आपको क्या चाहिए है ना तो मेरे साथियों पढ़िए आराम से बी सी डी का संबंध से है तो जे के एल का संबंध किससे होगा तो मेरे शेर शेर हो देखिएगा आपको बता दू बी के बाद जो बी दिया है ना बी के बाद दूसरा अक्षर दोस्तों क्या है बी के बाद दूसरा अक्षर डी है सी के बाद दोस्तों तीसरा अक्षर एफ है ठीक है और डी के बाद दोस्तों याद रखना चौथा जो अक्षर है ना वो एच है ठीक है दो तीन चार का डिफरेंस है अब देखिए के बाद दोस्तों अब जो जे दिया है ना जे के बाद दूसरा अक्षर कौन सा होता है जे के एल होता है एल हो गया के, के बाद तीसरा अक्षर एल के ए, के बाद तीसरा एम एन ठीक है तीसरा अक्षर बताएगा दोस्तों कौन सा होता है के, के बाद एल एम एन होता है एन हो गया एल के बाद चौथा अक्षर कौन सा होता है एल के बाद चौथा अक्षर होता है दोस्तों पी तो एल एन पी एल एन पी किस ऑप्शन में दिया है एल एन पी किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है एल एन पी एल एन पी इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का था था दोस्तों हमारा राइट आंसर उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया कनिका का गर्ल कोमल यादव राधा कुमार राधा कुमारी राजीव राय मनीषा जुबेर खान गुलसन, सबनम आर्य बहुत बढ़िया वेरी वेरी गुड निशा मीना बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का होगा दोस्तों हमारा राइट आंसर याद रखना चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है देखिए ताला चाबी घोड़ा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे निशा सुखजिंदर सिंह निधि पाल जल्दी से बताएगा ताला चाबी जिस प्रकार ताला का संबंध चाबी से है तो घोड़ा का संबंध किससे होगा जल्दी से बताएगा फटाफट क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएगा फटाफट जिस प्रकार ताला और चाबी एक दूसरे के पूरक है तो घोड़ा दोस्तों किसके पूरक है जल्दी से बताएगा फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे फटाफट क्या रहेगा जल्दी से दोस्तों बताना है फटाफट क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर देंगे फटाफट जल्दी दूसरे के पूरक है तो घोड़ा और सवारी एक दूसरे के पूरक हैं।, हैं तो बी ऑप्शन तो हो जाएगा दोस्तों का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तो बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जी हाँ दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत बहुत बढ़िया दोस्तों वेरी वेरी गुड जबरदस्त तैयारी है लाजवाब तैयारी है बहुत बढ़िया ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा चलेगा अगला क्वेश्चन देखिए अनुराधा पाल कंघी बाल जूते जिस प्रकार कंघी का संबंध बाल से उसी प्रकार जूते का संबंध किससे बदलेगा रिंकल शिवांगी चंदन शमसुद्दीन अली गोलसन बलजीत वीके स्टूडियो बदाय फटाफट हाँ अरे वी के स्टूडियो क्या हो गया पढ़िए शाबाश बहुत बढ़िया अरविंद कुशवाहा अरे विराट कोई बात नहीं कोई बात नहीं विराट मनीषा जी हाँ देखिए जी हाँ दोस्तों क्लास के अंत में गुरुकुल एकेडमी का व्हाट्सअप नंबर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा सभी ज्वाइन हो जाना सभी के पास दोस्तों गुरुकुल एकेडमी का मतलब जो भी क्लास होती है क्लास का जो नोटिफिकेशन है वहाँ पर शेयर किया जाता है ठीक है और एक बार है ना दोस्तों मुझे बताएंगे यार आप सभी मुझे बताएगा देखिए हिंदी शुरू कर रहा हूँ आपके लिए मैं ठीक है लेकिन मुझे ये बताइए कि हिंदी की जो क्लास है वो किस टाइम आपको दें एक बार अपने अपने अकॉर्डिंग आप टाइम शेयर कर देंगे और मैं ये सोच रहा हूँ दोस्तों आधे आधे घंटे की क्लास आपको दूँ आधे घंटे में जैसे

अरविंद कुशवाहा जी कर दूंगा चिंता मत कीजिए एक बार आप ना टाइम टाइम अपने अपने अकॉर्डिंग आप बताइएगा फटाफट फ़ड़ से भी ठीक है अरे दस अरे नौ बजे नहीं यार वो तो बोल दिया ना सात बजे हमारी रीजनिंग की फिक्स क्लास है और नौ बजे जीके की फिक्स है ठीक है जी हाँ सुखजिंदर सिंह क्या हो गया सर जी मैं अब नहीं जाऊंगा वहां पर जहां क्लास क्या कह रहे हैं पता नहीं सुखजिंदर लेकिन सुखजिंदर सिंह जहां आप जाते हैं ना वहां ना क्या है कि गुरुकुल एकेडमी के क्वेश्चन ही कॉपी करके करवाए जा रहे हैं चाहे वहां बच्चे जा रहे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कॉपीबाज होते हैं उनको कुछ नहीं पता है रियलिटी बता रहा हूं मैं जो खुद के खुद के माइंड से क्वेश्चन नहीं पढ़ा सकते ना बुक से क्वेश्चन नहीं निकाल सकते क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन नहीं निकाल सकते वो क्या करेंगे यार उनको क्या पता है एग्जाम में क्या आता है आप कुछ सोचेगा ठीक है रोहित केंद्रा बैंक को एक बार अपने अपने अकॉर्डिंग बताएंगे छह बजे हाँ छह बजे भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है चार पी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कोई नहीं सब अपने अपने अकॉर्डिंग टाइम शेयर कर देंगे एक बार फिर बताऊंगा आपको कोई बात नहीं है ठीक है हाँ सुखजिंदर सिंह व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करना आप सुखजिंदर सिंह व्हाट्सएप पर आप मेरे साथ ना कॉन्टेक्ट कीजिएगा रिक्वेस्ट आपसे ठीक है

से है तो अस्पताल का संबंध किस का बदेगा फटाफट जल्दी से जामिल बहुत बढ़िया राजू वेरी गुड बहुत बढ़िया रिंकल जी बहुत बढ़िया जो लोग पहली बार क्लास में आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथ में बेल आइकन कौन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे जुबेर खान बहुत बढ़िया तो क्वेश्चन देखिए जबरदस्त है दोस्तों जिस प्रकार खार जिस प्रकार दोस्तों कारखाना का संबंध <ुण> वस्तु के उत्पादन से है ना तो अस्पताल का संबंध है रोगियों के उपचार से रोगियों के उपचार से किससे उपचार से जिस प्रकार कारखाना में दोस्तों जिस प्रकार कारखाना में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो अस्पताल में रोगियों का उपचार किया जाता है सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर याद रखेंगे सभी चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कलाकार मंडली गायक जल्दी से इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन को पूरा कर देंगे जल्दी से जिस प्रकार कलाकार का संबंध मंडली से है तो गायक का संबंध किससे होगा बदलेगा जाहिद बहुत बढ़िया जल्दी से आंसर देंगे राम भाल से हाँ, ओके, ओके ठीक ठीक है, है। धन्यवाद, धन्यवाद। जवाब देंगे। तीन लगातार क्लास इस बारे में चिंता मत कीजिए चंदन कुमार गोंड कलाकार दोस्तों कलाकारों के समूह को क्या कहते हैं कलाकारों के समूह को कहते मंडली कई कलाकारों के कई कलाकारों को सॉरी कई कलाकारों को मिलाकर कई कलाकारों को आर्टिस्ट को मिलाकर दोस्तों मंडली बनती है तो कई गायकों को मिलाकर क्या बनता है गायक दल बनता है क्या बनता है गायक दल बनता है गायक दल गायक दल ठीक है गायक दल बनता है किस ऑप्शन में दिया गायक दल ऑप्शन नंबर डी में दिया है गायक दल तो गायक दल इस क्वेश्चन का होगा दोस्तों राइट आंसर विजय रंजन निशा मीना जी हाँ बहुत बढ़िया संजू ठाकुर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिए गए विषम ज्ञात कीजिए दिए गए विकल्पों में विषम ज्ञात कीजिए फटाफट क्या आएगा आंसर अनुराधा जल्दी से आंसर देंगे शिवम बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया जल्दी से आंसर देंगे कस्तूरी पटेल वेरी गुड बहुत बढ़िया जल्दी से दीजिएगा दोस्तों आंसर क्या रोकेश अनुराधा देखिए क्वेश्चन जबरदस्त है ये बेहतरीन है हाँ हाँ प्रवीण सिंह ये समझ लीजिए कि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए हैं ओके राधा कुमारी दिए गए में विषम ज्ञात करना जल्दी से इनमें से अलग कौन सा बताएगा फटाफट जल्दी से आंसर देंगे सभी मेरे शेर शेयर ने फटाफट क्या होगा आंसर चलेगा दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं इनमें से अलग क्या है हम ये निकालेंगे ठीक है हाँ शरिया सिंह पूरे दिन क्लास रहती पूरे दिन पढ़ने वाला बच्चा चाहिए पढ़ने वाला बच्चा चाहिए तो क्यों देखिएगा सात का देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या किया सात का घन कर दिया सात का घन करके दो जोड़ दिया सात का घन कितना होता है दोस्तों सात का घन तीन सौ तैंतालीस होता है और दो जोड़ दिया आ गया तीन सौ पैंतालीस तीन सौ पैंतालीस देखिए यहां दिया है ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा नौ का कर दिया घन और प्लस में जीरो नौ का घन होता है सात सौ उनतीस ठीक है हो गया अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा पांच का संबंध एक सौ पच्चीस से तो पांच का दोस्तों घन होता है ना एक सौ पच्चीस होता है पांच का घन का घन प्लस में जीरो होता है एक सौ पच्चीस अब देखिएगा दोस्तों जो तीन का घन है तीन का घन प्लस में जीरो होता है सताइस तो इनमें से अलग कौन सा हुआ भिन्न कौन सा हुआ ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए में भिन्न है इसमें दो जोड़ा जा रहा है तब जाकर जो सामने वाली संख्या आ रही है ऑप्शन बी और सी बी सी और डी में दोस्तों क्या है सीधा ही वर्ग है जो संख्या का जो युगम दिया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में जो संख्या का युगम है पहली संख्या का घन करके दो जोड़ा तब जाकर दूसरी संख्या आई है और बी सी डी ऑप्शन में पहली संख्या का घन है दूसरी संख्या ठीक है तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया जबरदस्त क्वेश्चन है लाजवाब क्वेश्चन है फटाफट दोस्तों क्या करेंगे दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिएगा जल्दी से फटाफट दिए गए विकल्पों में विषम दो क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम इसी प्रकार के इसी प्रकार के सेम इसी प्रकार के दो क्वेश्चन दोस्तों आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे विषम वाले ठीक है ना अलग कौन सा इनमें से असंगत का चयन करना और आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है जल्दी से एक बार सभी साथ फटाफट क्लास को लाइक कर देंगे जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया सभी मेरे शेर शेर ने फटाफड़ क्लास को लाइक करें अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे चलिए इस क्वेश्चन को अब सोल्व कर लेते हैं बेहतरीन क्वेश्चन है देखिए दोस्तों आपको बता दू मैं इस संख्या में है ना देखिए सोलह का वर्ग क्या होता है दोस्तों देखिए पहली संख्या सोलह ना इसमें क्या है दोस्तों जो पहली संख्या है उसका जो वर्ग है वो दूसरी संख्या है दूसरी संख्या पहली संख्या के वर्ग है इस दोस्तों इस क्वेश्चन में याद रखना जो पहली जो संख्या का जो युगम दिया जोड़ा दिया उसमें दूसरी संख्या पहली संख्या के वर्ग कैसे देखिए सोलह का वर्ग होता है दोस्तों दो सौ छप्पन ठीक है अब देखिए सात का वर्ग होता है फोर्टी नाइन और दोस्तों बारह का जो वर्ग है ना बारह का वर्ग होता है वन फोर्टी फोर लेकिन दोस्तों तेरह का जो वर्ग है वो होता है वन सिक्सटी नाइन लेकिन दिया कितना है यहाँ दिया वन नाइन्टी सिक्स ठीक है जो कि दोस्तों फोर्टीन का होता है

दिए गए विकल्पों में विषम ज्ञात कीजिए जल्दी से दोस्तों बेहतरीन आपकी तैयारी है जबरदस्त तैयारी आसान क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आसान है सिंपल क्वेश्चन है किसी का भी गलत न हो पाए दोस्तों ये किसी का भी गलत न हो पाए क्वेश्चन योगेश कुशवाहा ठाकुर प्री सिंह हाँ, फटाफट और मुझे बताएगा दोस्तों आपके लिए क्या प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट कर दें वालों के लिए स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट कर दे दोस्तों मुझे बताएगा प्लीज क्या आप दोस्तों अब रोजाना प्रैक्टिस टेस्ट चाहते हैं तो मुझे बताएगा जल्दी से क्वेश्चन दिया कि दिए गए विकल्पों में विषम ज्ञात कीजिए कैसे करना है देखिए दोस्तों नो क्या है नौ है तीन का वर्ग एक हजार क्या है दस का घन है चौसठ क्या है चार का घन है और एक सौ पच्चीस दोस्तों पांच का घन है इनमें से अलग कौन हुआ ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए में जो नौ दिया है ना नौ दोस्तों तीन का वर्ग है ऑप्शन नंबर बी सी डी में जो संख्या है ना वो दोस्तों दूसरी संख्या का घन है जैसे ऑप्शन नंबर बी सी डी में दोस्तों जो संख्याएं दी ना एक हजार दस का घन है चौसठ चार का घन है एक सौ पच्चीस पांच का घन है लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में जो संख्या है, नो है ये तीन की वर्ग संख्या है तो इनमें से अलग है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा याद रखेगा दोस्तों ये क्वेश्चन दो में मार्च में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका

देखिए दोस्तों तीन सौ इकसठ जो है ना इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिया तीन सौ इकसठ तीन सौ इकसठ है उन्नीस का वर्ग उन्नीस का वर्ग होता है दोस्तों तीन इकसठ और चार सौ चौरासी होता है दोस्तों बाईस का वर्ग और छह सौ छिहत्तर होता है दोस्तों छब्बीस का वर्ग है। लेकिन पांच सौ इकहत्तर किसी का भी वर्ग नहीं है पांच सौ इकहत्तर जो संख्या दी है ये किसी के दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया वेरी गुड बहुत बढ़िया हनुमान सिंह अरे व्हाट्सएप लिंक का क्या करेंगे अभी पढ़ लीजिए पहले क्लास के अंत में दूंगा यार क्वेश्चन पढ़ लीजिए व्हाट्सएप का करेंगे क्या अगर आप कुछ क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे आपको कुछ आएगा नहीं तो व्हाट्सएप अके लेकर क्या करेंगे यार क्या करेंगे बताइए मुझे में मारेंगे क्या ये बताइए मुझे का काम है सिर्फ आपको क्लास का वहां नोटिफिकेशन मिलेगा आप जब क्लास में आ गए तो पहले आप आपकी जो प्रायोरिटी बनती है कि आप इस क्लास को कंप्लीट अटेंड करें उसके बाद करना है जो कुछ करना है ठीक है अभी पढ़िए यार एक ही बार बार एक ही बात आ रही है ना चलेगा कोई बात नहीं है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेसा अग्रवाल देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए बेहतरीन क्वेश्चन है फटाफट लुप्त संख्या ज्ञात करेंगे अब देखिए चंदो भाई बोल रहा है इंडिया हार गया अरे फिर क्या हो गया यार रोज का काम है ना कभी हार कभी जीत चलता रहता है लेकिन आपको क्या प्रॉफिट मिला जिस बच्चे ने दोस्तों आज मैच देखा है ना उनको क्या मिला मुझे बताएंगे एक बार उनको मिला सिर्फ बर्बादी का एक रास्ता है ना बर्बादी का रास्ता मिला उनको और कुछ नहीं मिला है पूरे दिन की क्लास मिस कर दी अपनी एग्जाम नजदीक है दस जनवरी से एग्जाम होना है और इनको मैथ्स की पढ़ी है अरे हार गए ना कोहली आउट हो गया क्या हो गया रोहित शर्मा आउट हो गया क्या हो गया उनके तो फिक्स फीस है ना बीसी फीस देती है सालाना उनको उसमें तो कोई कट कटिंग होने वाली है नहीं कोई कटौती नहीं होने वाली है उनको जो ब्रांड एम्बेस्टर से जो फीस मिलती है तो मिलेगी उनको वो तो कम होगी नहीं चाहे हारे या जीते आपको फ़र्क पड़ेगा यार जब आप मैच देखते हैं अपना टाइम खराब करते ना अगर ये टाइम आप पढ़ने में लगाए तो आप कामयाब हो सकते हैं अगर मैच के चक्कर में पड़े रहेंगे ना बर्बाद हो जाएंगे जो मैच खेलते हैं करवाते ना मैच खेलते हैं जो मैच करवाते हैं उनको भरपूर प्रॉफिट है आप लोगों से और आप लोग बेवकूफ़ हैं अपना टाइम भी ख़राब करते अपनी लाइफ भी खराब करते पैसे भी खराब करते हैं अरे इससे सब पढ़ लीजिए ना हारे जीते क्या मतलब है यार ये बताइए मुझे कोई जंग का मैदान थोड़ी वहां की युद्ध हो रहा है मैच हार जीत होती रहती है कोई हारे कोई जीते आपको क्या मतलब है पढ़ तो लीजिए पहले आपकी जिंदगी अदर में लटकी हुई है आप काम में या नहीं होगी आपको पता ही नहीं है हद है यार <coughs> देखिए दोस्तों क्वेश्चन है कि क्या दिया फटाफट <coughs> जगतपाल जी ऐसा ही बोलता हूं मैं यार ठीक है लेकिन जो बोलता हूं ना सही बोलता हूं मैं जो बोलता हूं सही बोलता हूं मैं ठीक है चलेगा देखिए आठ के बाद दो तीन अड़तालीस छह तीन चार बेहतर बारह दो एक क्वेश्चन मार्क फटाफट चलेगा इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं बेहतरीन क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन है बहुत बड़े एग्जाम में आता है आठ दो और तीन को आपस में गुणा करेंगे आठ दो आठ को दो से गुणा और तीन से गुणा करेंगे अड़तालीस आ गया देखिए यहां पर दिया ना अड़तालीस दिया है जी दिया है छह गुना तीन गुणा कर दीजिए चार कितना आ गया दोस्तों ये ये बेहतर आ गया ना बेहतर देखिए यहां दिया है हो गया उसी प्रकार हमारा जो लुप्त पद निकल जाएगा कैसे बारह दो और एक को आपस में गुणा करेंगे बारह गुणा में दो गुणा तो कितना आ गया चौदह

पढ़ लिख कर अपना टाइम इधर उधर खराब करते हैं अगर पढ़ने में अपना माइंड लगाएंगे टाइम लगाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे एस एस जी डी बाई रावल जी रोज क्लास में आय करें राम भगत सूरज प्रणाम प्रणाम देखिए क्वेश्चन जबरदस्त है ये क्या है देखिएगा चलिएगा सोल्व कर लेते हैं फटाफट ठीक है ना देखिए सोलह दो दो छत्तीस चार दो ये क्वेश्चन हमारा तीन पाँच तो सबसे पहले हम आकृति फेस्ट को देख लेंगे दोस्तों ठीक है ना जी हाँ दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन देखी क्या देखी कहा दोस्तों इसमें दो दिया है यहां और यहां दो दिया है आपस में क्या करेंगे इनको आपस में इनको गुणा कर लेंगे दो और दो को कर लेंगे गुणा दो पल... सॉरी जोड़ेंगे आपस तो में ऑफिस जाते हैं आपस में जोड़ेंगे दो प्लस दो तो, कितना हो गया चार हो गया चार का वर्ग होता है सोलह सोलह देखिए यहां पर दिया है ना जी हां दिया है अब आकृति नंबर दो में देखिए दो और चार दिया है ना आपस में जोड़ दीजिए दो प्लस में चार छ हो गया छः का वर्ग होता है छत्तीस छत्तीस देखिए यहां दिया है दिया है उसी प्रकार यहां पर कर लेंगे तीन और पांच को आपस में जोड़ेंगे तीन प्लस में पांच कितना हुआ आठ आठ का वर्ग कितना होता है दोस्तों आठ का वर्ग कितना होता है आठ का वर्ग बताइएगा आठ का वर्ग दो

सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है और ये एसएससी एमटीएस सी चौदह अक्टूबर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में और ये रामबाण क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन है तो फटाफट -फड़ आंसर देंगे इस क्वेश्चन का देखिए नौ सात आठ पैंसठ दस तीन आठ क्वेश्चन मार्क तो लुप्त पद क्या है दोस्तों बताएगा इस क्वेश्चन में लुप्त पद निकालना है फटाफट -फड़. बताएगा जल्दी से लुप्त पद निकालना है क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएगा दोस्तों फटाफट क्या होगा आंसर जल्दी से बहुत बढ़िया दोस्तों वेरी गुड जल्दी से आंसर देंगे सभी क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट जवाब देंगे सभी साथी तैयारी आपकी लाजवाब जबरदस्त आपकी तैयारी है दोस्तों बस आप रोज क्लास में आइए तैयारी को मजबूत बनाइए देखिए यहां पर दोस्तों क्वेश्चन में दिया क्या गया देखिएगा इस क्वेश्चन में दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है देखिए जो आठ दिया है यहां और ये सात दिया है इनको आपस में कर दिया गुणा आठ गुणा सात और क्या कर दिया फिर दोस्तों इसके अंदर जो ऊपर नो है ना ये वाला नो ये जोड़ दिया आठ को सात से गुना क्या आ गया छप्पन कितना आया छप्पन और छप्पन में नो जोड़ दिया आ गया पैसठ तो पैसठ देखिए यहां दिया है जी हां दिया है इसी प्रकार दोस्तों हम आकृति नंबर दो में देख लेंगे ठीक है ओके मनीष मनीष शुक्ला चिंता मत कीजिए मेरे भाई चिंता मत कीजिए से पढ़ाऊंगा चिंता मत कीजिए सवाते गर्ल बहुत बढ़िया इसी प्रकार दोस्तों आकृति नंबर दो में जो ट्राइंगल दिया इसमें देखिएगा ये आठ दिया है ना

बहुत बहुत बढ़िया दोस्तों वेरी वेरी गुड जबरदस्त आपकी तैयारी है लाजवाब आपकी तैयारी है उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन की चिंता मत कीजिए क्वेश्चन बहुत है क्लास में और ये भी गारंटी से कहता हूं जो क्वेश्चन क्लास में करवाऊंगा ना दोस्तों सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे कोई फर्क नहीं मिलेगा सेम क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपके एग्जाम में गारंटी से कहता हूं गारंटी से कहता हूं सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे कोई फर्क नहीं मिलेगा दोस्तों बाकी आपकी मर्जी आपको पढ़ना नहीं पढ़ना है लेकिन एग्जाम में सेम यूं के यूं क्वेश्चन मिलेंगे आपको गुरुकुल एकेडमी दोस्तों ये आपको मैं बात बता देता हूं बेकार से बेकार क्वेश्चन नहीं करवा रहा है जो एग्जाम में क्वेश्चन आते वही करवा रहा है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में सौ परसेंट कोई रोक ही नहीं सकता है गारंटी से कहता हूं मैं गारंटी से चलेगा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है देखिए यदि साइंस को दोस्तों तो चौदह के रूप में कुटबद्ध किया जाता है मैथ को दस के रूप में कुटबद्ध किया जाता है तो एग्जामिनेशन के लिए जो कोड है वो दोस्तों क्या होगा बताएगा जल्दी से आंसर देना है दोस्तों फटाफट जवाब देंगे सभी क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों देखिए बहुत ज़्यादा क्लास में लेता हूँ बहुत ज़्यादा क्लास ले रहा हूँ इस चक्कर में क्या है ना कि गले में दोस्तों दिक्कत हो गई गला ख़राब हो रखा है इस वजह से आवाज़ भी अच्छे से नहीं आ रही है और लाउडली भी नहीं बोल रहा हूँ मैं मजबूरी है यार करें करूँ क्या ही बताइए मजबूरी है मेरी तो आप समझेंगे मेरी मजबूरी को ठीक है ना मेरी मजबूरी को समझेंगे तो मेरे दोस्तों अच्छे से पढ़िए आप चिंता मत कीजिए आपकी तैयारी को मजबूत करना मेरी जिम्मेदारी है बाकी आप चिंता मत कीजिए ठीक है और मुझे यार ये बताइए एक बार प्लीज़ यार सभी है ना कि आपके लिए यार मैं ना एक बेहतरीन सीरीज लेकर आऊं क्या मुझे बताइए यार टाइम बहुत कम बचा हुआ है और मैं ये सोच रहा हूँ शॉर्टकट में है ना आपको स्पीड वाली क्लास भी साथ साथ में देता रहूँ अगर आप सपोर्ट करेंगे ना मुझे तो आपके लिए मैं ऐसे आपके आपके लिए ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करवा दूंगा कम टाइम में क्या बोलेंगे वाह सर आपने हमारे लिए बहुत खूब बहुत खूब कर दिया बहुत कुछ कर दिया और सब फ्री में कोई पैसा नहीं सब फ्री में तो एक बार मुझे बताइए यार कौन कौन सपोर्ट करेगा दोस्तों अगर आप सपोर्ट करेंगे ना तैयारी जबरदस्त बना दूंगा आपके में लेकिन दोस्तों जो आपके लिए मैं क्लास लेकर आऊंगा वो रहेंगे हमारी 20 मिनट की आधे घंटे की मैक्सिमम क्वेश्चन के साथ जो क्वेश्चन लाइव क्लास में एक घंटे में करवाता हूं वही क्वेश्चन आपको 20 मिनट में दे दूंगा मैं 20 20 यानी 20 20 मिनट की तीन क्लास एक घंटे की होगी ना एक घंटे में तीन क्वेश्चन आपको लेकिन आप सपोर्ट करेंगे तब लेकिन आपका सपोर्ट सही ऐसे नहीं ठीक है क्लास के अंत में इस बारे में दोस्तों आपसे मैं बात करूंगा चिंता मत कीजिए ठीक है चलिएगा पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं स्पीड से साइंस को दोस्तों चौदह कैसे लिखा सबसे पहले हम ये देखेंगे तो साइंस में अक्षर काउंट करेंगे देखिएगा एक दो तीन चार पांच छह सात अक्षर हैं सात को क्या लिख दिया चौदह लिख दिया कैसे सात को दो से गुणा किया चौदह हो गया अब देखिए मैथ में कितने अक्षर हैं एक दो तीन चार पांच पांच है पांच को क्या लिखा है दस लिखा है पांच को कर दिया दो से गुना दस आ गया दोस्तों ठीक है अक्षरों की संख्या इसमें क्या किया दोस्तों क्वेश्चन में अक्षरों की संख्या को दो से गुना कर दिया अक्षरों की संख्या को दो से गुना कर दिया तो एग्जामिनेशन में देखिएगा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह है तो ग्यारह को क्या कर देंगे ग्यारह को दोस्तों इसी प्रकार क्या कर देंगे देखिए 11 को 2 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा बाइस आ जाएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों होगा बाईस क्या किया इसमें अक्षरों की संख्या को 2 से गुणा किया है दोस्तों अक्षरों की संख्या को 2 से गुणा कर दिया आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए 22 इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा उम्मीद करता हूं दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा ठीक है बहुत बहुत बढ़िया दोस्तों वेरी नाइस यार जबरदस्त तैयारी है लाजवाब तैयारी है, है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यदि थ्योरी को इस कोड इस कोड में लिखा जाता है तो स्कूल को किस प्रकार कुटबद्ध किया जाएगा दो क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में दोस्तों इसी प्रकार से आपके एग्जाम में दो क्वेश्चन आएंगे सेम सेम आपके एग्जाम में दो क्वेश्चन आएंगे सौ परसेंट आएंगे कोई नहीं रोक सकता है दो क्वेश्चन दोस्तों आपको सेम आपके एग्जाम में ये कोड भाषा वाले मिलेंगे ठीक है ना अब की बार एस एस सी पार बस रोज क्लास में आना है आपका एग्जाम अवश्य निकलेगा एस एस का एग्जाम अवश्य क्या रखोगा सौ परसेंट सिलेक्शन आपको मिलेगा कोई रोक नहीं सकता चलेगा फटाफट सफेड़ से क्वेश्चन करवाऊंगा आप क्वेश्चन बहुत बचे हैं हाँ चलेगा फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों कैसे देखिए दोस्तों इसमें हम देखेंगे थ्योरी को इस भाषा में कैसे लिखा है देखिएगा सबसे पहले हम लिखेंगे थ्योरी टी एच ई ओ आर वाई थ्योरी को क्या लिखा है इसने उल्टा पुलटा करके लिख दिया और कुछ नहीं किया है वाई आर ओ टी एच ई ठीक है देखिए दोस्तों एक दो तीन चार कलर चेंज करके करवाता हूं कोई दिक्कत नहीं है देखिए एक दो तीन चार

दो तीन चार पाँच छ अक्षरों का स्थान हो गया अब हम क्या करेंगे छः पाँच चार छः पांच चार छः पाँच चार एक दो तीन ये अक्षरों का स्थान जो अक्षरों का स्थान सीक्वेंस में ना ऐसे उल्टा पुलटा करके लिखना है छठे नंबर पे क्या दिया है? एल दिया है। एल हो गया ठीक है फिर हो गया ओ फिर हो गया ओ ठीक है और पहले नंबर पे पर S एस सी एच एल डबल ओ एस सी एच की ऑप्शन में दिया है दोस्तों ये बताइएगा फटाफड़ किस ऑप्शन में दिया दोस्तों ये एल डबल ओ

रोही, अनुराधा दयानंद लोधी बहुत बढ़िया दोस्तों वेरी गुड चलेगा फिर अगला क्वेश्चन देखते चलेगा फटाफट चलेगा अरे ये रामबाण क्वेश्चन आ गया यार रामबाण क्वेश्चन ये थोड़ी सी मिस्टेक इसमें कुछ नहीं है इसको थोड़ा ऊपर करके करवाता हूं मैं यहाँ ना अरे यार ये थोड़ी मिस्टेक कर रखिए टाइप इसने कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा लुक, ये ना छुपेगा नीचे वाला इससे कोई बात नहीं चलेगा एक बार फटाफट ना इसमें दोस्तों आप ट्राइंगल निकालेंगे कितने त्रिभुज हैं दो क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम से में सेम इसी प्रकार के सेम दो क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं ऐसे तो एक बार फटाफट जल्दी से आंसर देंगे क्या आएगा पहली बार दोस्तों क्लास में आई है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे कैसे क्लास के नीचे देखिएगा दोस्तों ब्लैक कलर की पट्टी में सब्सक्राइब लिखा हुआ है जल्दी से आप वहां पर क्लिक करेंगे जैसे दोस्तों आप वहां पर क्लिक करेंगे ना तुरंत आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे तो क्वेश्चन दिया देखिए देगी आकृति में कुल कितने त्रिभुज है चलेगा काउंट कर लेते हैं एक त्रिभुज दो त्रिभुज तीन त्रिभुज चार त्रिभुज चार ये हो गए चार हो गए दोस्तों एक एक फलक वाले अब देखिएगा दोस्तों एक त्रिभुज हो गया ये वाला यहाँ छोट हो गया एक यहाँ नोट कर लीजिए एक दोस्तों यहाँ से ये यह हो गया ठीक है इसको नोट कर लीजिए अब देखिए दोस्तों आगे काउंट करेंगे देखिएगा एक दोस्तों ये पूरा हाफ यहाँ से एक ही यहां से ये यह हाफ दो ये हो गए और एक दोस्तों कौन सा हो गया ये पूरा बड़ा वाला हो गया एक एक ही पूरा बड़ा वाला हो गया ठीक है एक ही हो गया काउंट कीजिएगा कितने हो गए तीन दो पाँच और चार नो इस आकृति में दोस्तों जो त्रिभुज है ना उनकी संख्या है नौ नौ त्रिभुज है इस आकृति में और ऐसे से जेडी वालों दो क्वेश्चन कम से कम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा दोस्तों इस प्रकार का एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में सेम इस प्रकार का आएगा ही आएगा कोई रोक नहीं सकता है सो परसेंट आएगा तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अच्छे से पक्के कर लीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए ठीक है ना उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया देखिए जबरदस्त है दीगी आकृति में कुल कितने त्रिभुज जाएगा देगी आकृति में कुल कितने त्रिभुज जवाब देंगे जल्दी से फटाफट ऐसे हम वैसा ही क्वेश्चन है अच्छे से सोल्व करेंगे फटाफट फड़। क्या आएगा आंसर <laughs> दोस्तों क्या है क्लास में ना एक ही तरह के दो क्वेश्चन करवाता हूं ताकि एक क्वेश्चन समझ में ना आ आए एक क्वेश्चन समझ में ना आए दूसरा आ जाए दूसरा अगर समझ में आ गया तो पहले वाला अपने आप आ जाएगा तो सेम उसी प्रकार से मैं क्लास में क्वेश्चन करवा रहा हूं ठीक है चिंता करने की कोई बात नहीं है अब के बार SSJD का एग्जाम आपका, हो आपका सिलेक्शन होगा सौ परसेंट होगा कोई नहीं रोक सकता चिंता मत कीजिए आप बस विश्वास कीजिए क्लास में आइए बाकी देखिएगा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है चलेगा इसमें काउंट करते हैं स्पीड से करवाऊंगा अब ठीक है फास्ट स्पीड में, में। देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह त्रिभुज हमने काउंट कर दिए इसमें सीधे सीधे त्रिभुज कितने हैं बारह है त्रिभुज इसमें सीधे सीधे हैं बारह है त्रिभुज हमने काउंट कर दिए इसमें ठीक है हो गए काउंट अब आगे देखिए इसमें दोस्तों अब क्या होगा दो दो फलक वाले त्रिभुज भी होंगे वो भी हम काउंट करेंगे देखिएगा का दोस्तों इसमें हो गए हैं त्रिभुज त्रिभुज ठीक है, है अब देखिए एक दो को और तीन को मिलाकर हो गया दो और तीन को मिलाकर हो गया एक ठीक है दोस्तों हो हो गया गया अब एक नीचे देखिए ग्यारह और दस को ग्यारह और ए, दस को मिलाकर हो गया दो आप यहां काउंट कर लीजिए अब इसमें और निकालूंगा इसी जगह इस पर देखिए एक हो गया तीन और दस को मिलाकर यहां तिरछे तिरछा एक यहां दो और तीन दो और ग्यारह को मिलाकर हो गया दो हो गए दोस्तों ये टोटल हो गए हैं कितने सोलह है दोस्तों इसके अंदर क्या है सोलह त्रिभुज निकल गए हैं अब एक निकल रहा है दोस्तों हमारा देखिए यहां से ये वाला पांच छह सात आठ को मिलाकर पांच छह सात आठ को मिलाकर एक हो गया ये टोटल त्रिभुज कितने हो गए इसमें सत्रह त्रिभुज तो इस आकृति में दो त्रिभुजों की संख्या है सत्रह सत्रह त्रिभुज है दोस्तों इस आकृति में इस आकृति में तो इस भुजुर्ग संख्या सत्रह है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का होगा हमारा राइट आंसर ठीक है सत्रह

ये क्लास रोजाना शाम को सात बजे रहती है टाइम पर क्लास में आय करें और अगली क्लास है रात को नौ बजे रात नौ बजे दोस्तों हमारा जीके का डोज होगा जीके का डोज है रात को नौ बजे समय पर पहुंचना है रात नौ बजे बेहतरीन क्लास रहेगी जीके के नए क्वेश्चंस के साथ जीके के दोस्तों टॉप क्वेश्चंस के साथ टॉप क्लास रहती है रात को नौ बजे हर रोज नए क्वेश्चन करवाए जाते हैं पीछे के क्वेश्चन को दोस्तों रिपीट नहीं किया जाता है रात नौ बजे वाली क्लास में अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते आज से ही दोस्तों रात नौ बजे वाली क्लास

दोस्तों देखिएगा सीधे सीधे इसमें काउंट हो रहे हैं एक हो गया दोस्तों हमारा यहां से ये वाला सभी का रॉन्ग कलर चेंज करके बताऊंगा धीरे धीरे देखिएगा एक हो गया दोस्तों ये वाला ठीक है सभी का अलग अलग कलर करके करवाऊंगा ठीक है चिंता मत कीजिए वेट कीजिएगा एक हो गया दोस्तों इसके अंदर सर्कल हमारा ये वाला ठीक है एक हो गया दोस्तों इसमें सर्कल हमारा ये वाला ठीक है अब देखिएगा दोस्तों एक सर्कल हो गया इसके अंदर हमारा ये वाला ठीक है काउंट कर लेंगे सभी धीरे धीरे चिंता मत कीजिए एक त्रिभुज बन जाएगा इसमें हमारे ये बड़े वाला कितने हो गए देखिए दोस्तों एक दो तीन चार सर्कल हो, हो गए किस ऑप्शन में दिया है छे। छे दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा ठीक है उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा संजय खुशबू सिंह बहुत बढ़िया जी हाँ विनित कुमार वर्मा मिठाई नहीं मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी यार आपको जॉब मिलेगी तो मिठाई भी नहीं खिलाओगे आप अच्छी बात कर रहे हो यार चलिए कोई बात नहीं मत खिलाना आपको जो मिल जाएगी ना आपको जो भी मिल जाएगी वही मेरे लिए मिठाई है आपको जो भी मिल जाए आप कामयाब हो जाए दोस्तों वही ना मिठाई का काम करेगी यार सच में यार बहुत बड़े मोटिवेशन मिलेगा मुझे बस वही काफ़ी है बहुत बढ़िया वेरी गुड चलेगा अगला क्वेश्चन देखते चलेगा क्या है दीघी आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए दोस्तों इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा फटाफट क्या होगा आपने अभी तक दोस्तों क्लास को लाइक भी नहीं किया है जिन्होंने दोस्तों अभी तक जिन्होंने अभी तक दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है ना जल्दी से एक साथ मिलकर फटाफट क्लास को लाइक कर देंगे दोस्तों जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है सभी मेरे शेर शेर ने फटाफट दोस्तों एक साथ मिलकर क्लास को लाइक करें अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे जल्दी से सभी मेरे शेर शेर ने फटाफट क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे जल्दी से तैयारी आपकी जबरदस्त लाजवाब दोस्तों आपकी तैयारी है बहुत बढ़िया यार वेरी गुड इसी तरीके से पढ़ेंगे ना अवश्य कामयाब होंगे दोस्तों कोई नहीं रोक सकता है आपको आप कामयाब होंगे हर हाल में कामयाब होंगे हम होंगे कामयाब दोस्तों हम होंगे कामयाब चिंता मत कीजिए बहुत बढ़िया चलेगा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया है देखिए इसमें दर्पण प्रतिबिंब हमें बनाना है चलेगा फ्राफड़ इसमें दर्पण प्रतिबिंब दोस्तों हम बनाएंगे देखिए दर्पण दिया यहां एम और ये एन एम एन दर्पण दिया है तो इसमें दोस्तों देखिएगा आपको मैंने पहले ही बता रखा है ये वाला हिस्सा जाएगा यहाँ दर्पण प्रतिबिंब में और ये जाएगा यहां पर चलेगा हम बना देते हैं इसमें इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे अब बनाएंगे चलेगा हाँ कलर चेंज करता हूँ मैं रेड वाला ले लेता हूँ देखिए दोस्तों ये तो हो गया हमारे इसमें ये हो गया हमारा वर्ग ठीक है अब देखिए दोस्तों क्या आएगा देखिए ओ थोड़ा बढ़ा लूंगा कोई बात नहीं है अच्छे से आ जाएगा ना चलेगा दोस्तों ड्राइंग में कमज़ोर हूँ मैं ना बाकी समझेंगे आप अच्छे से चलेगा दोस्तों ये बनाएंगे देखिए पहले आएगा ये वाला ओ फिर आएगा ये आई आए, फिर आ जाएगा दोस्तों हमारा ये डी सॉरी ये डी आ जाएगा ठीक है सॉरी उल्टा हो गया ना हाँ यहाँ आएगा ई हो गया डी और फिर आएगा दोस्तों यू और फिर आएगा टी और फिर आ जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ एस तो ये आकृति आप देखिएगा किस ऑप्शन में दी गई है ये आकृति ऑप्शन सी में दी है ना तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा देखिए दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ देखिए पहली बात यह कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है ये आप याद रखेंगे ठीक है जब भी दोस्तों देखिए दर्पण प्रतिमा वाला कोई क्वेश्चन आए जैसे मान लीजिए यहां तो दिया है दर्पण यहां पर अगर जैसे मान लीजिए यहां दर्पण है तो ये जो मान लीजिए देखिए ये तो हो गया हिस्सा हमारा ए और ये बी तो यहां बी हो जाएगा और यहां हो जाएगा ए ठीक है कैसे देखिए दर्पण प्रतिबिंब है मैं ये हिस्सा यहां आएगा ये चला जाएगा दूसरी साइड में ठीक है अगर दोस्तों यही जो दर्पण है अगर नीचे दिया हो ना नीचे अगर नीचे दिया है तो दोस्तों ये वाला हिस्सा यहाँ हो जाएगा और ये वाला हिस्सा आएगा नीचे ठीक है ना समझ रहे ना दोस्तों अगर यही दोस्तों दर्पण साइड में जाएगा ना साइड में अगर मान लीजिए ये आकृति है और इसके दर, यहाँ दर्पण दिया है तो ये वाला हिस्सा यहां आएगा ये ये चला जाएगा यहां पर ये आप समझेंगे अच्छे से ठीक है अगर आप जो मैंने अभी बताया है अगर आपको ये समझ में आ गया ना समझ लीजिएगा दोस्तों आपका अगर दो क्वेश्चन दो क्वेश्चन लगभग आएंगे आपके एग्जाम में ऐसे तो आपका सिलेक्शन शोर है दो क्वेश्चन मतलब चार नंबर आपके पक्के हो जाएंगे तो दर्पण प्रतिबिंब या फिर दोस्तों जो वाटर वाला है सब मेरा सब कुछ आपको बताऊंगा मैं चिंता मत की धीरे धीरे सभी क्वेश्चन आएंगे तो दर्पण प्रतिबिंब का याद रखना है दोस्तों आपको मैंने तरीका बता दिया कैसे सोल्व करना है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए चलेगा इसी प्रकार का दर्पण प्रतिबिंब का ही सेम उसी प्रकार का दो क्वेश्चन रखें ताकि एक क्वेश्चन समझ में ना आए तो दूसरे वाले से आ जाए तो बताएगा फटाफट क्या होगा आंसर पहली बार दोस्तों क्लास में आई है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे रोज क्लास में आइए तैयारी को मजबूत बनाइए पहली बार दोस्तों क्लास में आई है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का दोस्तों नोटिफिकेशन पहुंचता रहे तो जल्दी से देखिएगा क्या है इस क्वेश्चन देखिएगा दी दीघी आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है चलिएगा ज्ञात कर देते हैं दोस्तों अभी बताया वैसे ही करना है हाँ के एम अंचल चिंता मत कीजिए पेपर कटिंग वाले सब कुछ आकृति पूरी करने वाले सब कुछ क्वेश्चन सब क्वेश्चन करवाऊंगा क्लास में चिंता मत कीजिए ठीक है तो इस क्वेश्चन में देखिए दर्पण प्रतिबिंब यहाँ दिया है तो ये वाला हिस्सा यहाँ होगा और ये वाला जाएगा यहाँ चलेगा इसको हम क्या करते हैं कंप्लीट कर देते क्वेश्चन को ठीक है ना इस क्वेश्चन को कर देते हैं हम कंप्लीट ठीक है ये दोस्तों हमारी आकृति बन रही है ठीक है जी हाँ देखिएगा आराम से बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जबरदस्त है लाजवाब क्वेश्चन है ठीक है ना लाजवाब क्वेश्चन है ये जबरदस्त है आप देखेंगे जैसे मैं बना रहा हूँ सेम वैसे ही करना है दोस्तों सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने ओ सॉरी माफी चाहता हूँ ऐसे नहीं आएगा ये साइड आएगा तो दोस्तों जो मैंने बताया सेम ऐसे ही आएगा देखिएगा ठीक है

चलेगा फिर अगला क्वेश्चन देखते युकूब अली या, याकूब अली चिंता मत कीजिए कल से स्टार्ट कर रहा हूं जो ही प्रवीण कनेका बहुत बढ़िया ग्रीन आर्मी राजपूत बॉय शेजल अमन जी हाँ गुलाबो वेलकम वेलकम चलेगा फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं मुर्गी मुर्गा मुर्गी जिस प्रकार दोस्तों मु, मुर्गा मुर्गी का जोड़ा उसी प्रकार चार ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा जोड़ा बताएगा अमन बहुत बढ़िया हाँ रामचंद्र साल भी कोई बात नहीं चिंता मत कीजिए जाहिद आबाशी तो एक बार हाँ नेहा कुशवाहा तो मेरे शेर शेर ने मुझे एक बार बताइए हाँ अरे क्लास के यार लास्ट में वैसे डिस्कस करूंगा तो अच्छा रहेगा कोई बात नहीं है चलिए कोई बात नहीं है क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे कि हिंदी की क्लास आपके लिए किस टाइम स्टार्ट की जाए है ना कोई बात नहीं अभी पढ़ेगा शाबाश फटाफट -फड़ देंगे आंसर क्या होगा पहली बार दोस्तों क्लास में आई है एक बार जल्दी से सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे बस जी हाँ दोस्तों क्लास के नीचे देखिएगा ब्लैक कलर की पट्टी में सब्सक्राइब लिखा हुआ है ब्लैक कलर की पट्टी में सब्सक्राइब लिखा हुआ है दोस्तों जल्दी से आप वहां पर क्लिक करेंगे जैसे ही वहां पर क्लिक करेंगे ना तुरंत दोस्तों राइट साइड में वहीं वहीं वही पर बेल आइकन दिखाई देगा बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे चलेगा देखिए क्वेश्चन देखिए मुर्गा मुर्गी देखिए बिल्ली बिल्ली का बच्चा ये तो नहीं होगा मेंढक दोस्तों टेडपोल वर्ग में नहीं ये भी नहीं होगा घोड़ा घोड़ी तो ऑप्शन नंबर सी घोड़ा घोड़ी इस क्वेश्चन का आंसर होगा मुर्गा मुर्गी मुर्गा मुर्गी घोड़ा घोड़ी क्या है दोस्तों जिस प्रकार मुर्गा क्या है नर है और मुर्गी क्या है मादा है ठीक है ना जिस प्रकार दोस्तों नर का विलोम मादा है ना मुर्गा का विलोम हो गया मुर्गी तो उसी प्रकार घोड़ा का विलोम होता है घोड़ी तो घोड़ा घोड़ी ऑप्शन नंबर सी में दिया है सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया वेरी गुड अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया जबरदस्त है रोज क्लास में आइए चलेगा फटाफट सफेद से क्वेश्चन करवाऊंगा मच्छर झुंड मच्छरों के समूह को मच्छरों के समूह को झुंड कहा जाता है ना जिस प्रकार दोस्तों मच्छरों के समूह को झुंड कहा जाता है तो ऑप्शन में बताएगा दोस्तों कौन सा सेम रहेगा इनमें से कौन सा दोस्तों सेम रहेगा बताएगा जिस प्रकार मेरे शेर-शेर के हो जाएगा इस का एक से दो क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार के आपके एग्जाम में और अच्छे से पक्के कर लीजिए ताकि आप कामयाब हो जाए डी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साहस वीरता साहस वीरता जल्दी से बताएगा दोस्तों सेम इसी प्रकार का दोस्तों जिस प्रकार साहस का समानार्थी वीरता है ना जिस प्रकार साहस का समानार्थी वीरता है ना तो उस पर उसी प्रकार दोस्तों याद रखना व्यवस्थित का समानार्थी क्रमबद्ध होता है व्यवस्थित का समानार्थी क्रमबद्ध होता है तो सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा अगला क्वेश्चन है देखिए वह विकल्प चुने जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी उसी तरह संबंधित जैसे नीचे दिए गए सेट संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है एक सौ दो सौ तीन सौ इकसठ चार ऑप्शन दिए कौन सी संख्या है जल्दी से बताएगा फटाफट क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर जवाब देंगे सभी बताएगा दोस्तों क्या होगा आंसर बहुत बढ़िया दोस्तों वेरी गुड जल्दी से आंसर देंगे क्लास को कंप्लीट लेना है बहुत ही कम टाइम के दोस्तों क्लास से बची अभी बहुत ही कम टाइम की क्लास बची है रात को नौ बजे दोस्तों हमारी अगली क्लास है समय पर पहुंच जाना रात नौ बजे दोस्तों हमारी अगली क्लास है समय पर पहुंच जाना ठीक है मेरे साथियों रात को नौ बजे जीके का डोज होगा रात को नौ बजे होगा जीके का डोज समय पर पहुंच जाना रोज रात नौ बजे जीके का डोज होता है दोस्तों ठीक है ना रोज रात नौ बजे होता है जीके का डोज तो समय पर क्लास में आना है और जीके का डोज जीके का डोज लगाना है समय पर क्लास में आना है और दोस्तों जीके का डोज लगाना है जी हाँ मेरे शेर शेर ने चलेगा देखिए क्वेश्चन देखते हैं एक जो दिया है दोस्तों ये क्या है ये तेरह का वर्ग है दो क्या है सत्रह का वर्ग है और तीन क्या है उन्नीस का वर्ग है क्या है दोस्तों क्वेश्चन में जो संख्या जो ये संख्याएं दोस्तों जो दी है ना ये अभाज्य संख्याओं के वर्ग संख्या हैं अभाज्य संख्याओं के क्या हैं वर्ग संख्या हैं उसी प्रकार दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है ना जैसे फाइव ट्वेंटी नाइन देखिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी में है फाइव टवेंटी नाइन एट फोर्टी वन और नाइन सिक्सटी वन फाइव नाइन तेईस का वर, की वर्ग संख्या है एट फोर्टी वन टवेंटी वर्ग संख्या है और दोस्तों जोड़े में है ना जितनी भी संख्या है वो अभाज्य संख्याओं की वर्ग संख्या है तो इनसे दोस्तों इसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी में जो फाइव टवेंटी थ्री टी नाइन और 31 की वर्ग संख्या है और ये सभी अभाज्य अविभाज्य संख्याओं के वर्ग संख्या है तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा अब की बार एसएससी एस पार चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है वह है विकल्प चुने जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह संबंधित जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं जल्दी से देखिए ट्वेंटी फाइव नाइनटीन थर्टी सिक्स जल्दी से आंसर सभी क्लास को लाइक कर देंगे बस आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों देखिए कोई पेड कोर्स नहीं गुरुकुल अकेडमी का और ना ही अब तक आया है ना ही आएगा दोस्तों बस आपसे छोटी सी मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप दोस्तों क्लास में आते ही क्लास को लाइक कर दिया करें बस यही चाहिए आप लोगों से और कुछ नहीं बस आते ही क्लास को लाइक कर दिया करें सभी से यही मेरी रिक्वेस्ट है तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया है वह विकल्प चुने वह विकल्प चुने जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं जी हाँ रोहित तो? कोई बात नहीं चलेगा देखिए इनको आपस में जोड़ेंगे देखिएगा दोस्तों ट्वेंटी फाइव प्लस में नाइनटीन प्लस में थर्टी सिक्स इनका जोड़ आया दोस्तों अस्सी तो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से ऐसे कौन सी कौन सा जोड़ा जिन ऐसा कौन सा जोड़ा है जिनका दोस्तों जो योग है वो अस्सी आ जाए तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा दोस्तों बीस प्लस में अट्ठाइस और प्लस में बत्तीस तो ये क्या है अस्सी है दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ठीक है ऑप्शन नंबर डी ठीक है हाँ तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आर्मी फिटनेस चिंता मत कीजिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं देखिए हार्ड बेड सोफा फर्नीचर अरे मेरे साथियों यार गला खराब है यार गला खराब है गले में दर्द है यार इस कारण से थोड़ा आराम से करवा रहा हूँ क्या आप नहीं पढ़ सकते यार गला खराब बार बार बोल रहा हूँ यार लेकिन गला खराब होने के बावजूद भी आपको पढ़ा रहा हूँ मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ यार क्योंकि मुझे पता है एग्जाम नज़दीक है और आपको कामयाब करना है एग्ज़ाम नज़दीक है आपको कामयाब करना है बस यही मैंने सोच रखा है कुछ भी हो जाए दोस्तों आपको मैं कामयाब बनाऊंगा यार हर हाल में बनाऊंगा चिंता मत कीजिए बस आप पढ़िए मेरी फीलिंग को भी समझिए यार मेरी फीलिंग को भी समझ सकते हैं आप यार गला खराब है फिर भी क्लास करवा रहा हूं और आपको जल्दी लगी हुई कि जल्दी क्वेश्चन करो फास्ट करवाइए अरे फास्ट नहीं करवा सकता हूं आज यार बहुत ज्यादा दिक्कत है गले में दर्द है फिर भी पढ़ा रहा हूं तो शाबाश पढ़िए भागे मत चलेगा क्वेश्चन देखिए क्या दिया देखिए हार्ड बेड सोफा फर्नीचर देखिए दोस्तों हार्ड बेड हो गया सोफा और फर्नीचर दोनों ही दोस्तों क्या ही है ये देखिए ये तो हो गया हार्ड बेड और ये है सोफा और दोनों ही क्या है ये दोनों ही फर्नीचर हैं हार्ड बेड और सोफा दोनों ही फर्नीचर हैं ये डायग्राम दिया है ऑप्शन नंबर बी में तो बी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट right आंसर हो जाएगा उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया दोस्तों वेरी गुड चलेगा नेक्स्ट है देखिए पांच का वर्ग तीन का घन विषम संख्या बताएगा जल्दी से आप ये बताइए फटाफट जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वेन डायग्राम दो क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में ओके okay, दो क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में सीनू बहुत बढ़िया अंकेश जी दो क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में सेम और दोस्तों इसके तुरंत बाद हमारी अगली क्लास होगी जीके का डोज जीके का ब्रह्मास्त्र डोज होगा दोस्तों ठीक है जीके का ब्रह्मास्त्र डोज होगा हमारी अगली क्लास समय पर पहुंचना है बाकी चिंता मत कीजिए क्लास का लिंक आपको मैं दे दूंगा चिंता करने की कोई बात नहीं है बस फटाफट -फड़ आप आंसर देते जाइए आपको दोस्तों कामयाब होना है हर हाल में ठीक है आज दोस्तों नाइट में ना एक रिवीजन क्लास करवाऊंगा आपको मैं रिवीजन क्लास जीके के रिवीजन क्लास और सभी रिवीजन करेंगे बेहतरीन तरीके से पांच का वर्ग तीन का घन विषम संख्या देखिए दोस्तों ये तो हो गया पांच का वर्ग पांच क्या है दोस्तों विषम संख्या है ठीक है और तीन क्या है तीन का घन हो गया तीन क्या है दोस्तों भी विषम संख्या है ठीक है दोनों ही क्या विषम संख्या है तो दिया है ऑप्शन नंबर सी में दिया है पांच और तीन दोनों ही दोस्तों विषम संख्या है और विषम संख्या दोस्तों दोस्तों तो सी ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग इस, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है गाजर सब्जी मांस जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे गाजर सब्जी मांस जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी साथी क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट गाजर सब्जी मांस जल्दी से इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम बनाएंगे सभी गाजर सब्जी मांस देखिएगा दोस्तों ये है गाजर गाजर क्या है गाजर एक सब्जी है और मांस इनमें से अलग है ये डायग्राम दिया है ऑप्शन नंबर सी में दिया है ना सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ठीक है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखिए हार कंगन आभूषण जल्दी से इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम बना देंगे और आपने अभी तक दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है तबियत खराब है फिर भी क्लास करवा रहा हूं लाइक नहीं कर सकते आप यार है ना तबीयत खराब होने के बाद भी क्लास करवा रहा हूँ यार प्लीज लाइक कर देंगे सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज यार जल्दी से लाइक करेंगे एक बार सभी साथी हार कंगन आभूषण हार कंगन आभूषण जल्दी से इस क्वेश्चन का बनाएंगे आप वेन डायग्राम हार कंगन आभूषण देखिए दोस्तों आपको बता दो इस क्वेश्चन में क्या होगा ध्यान से सुनेगा हार और कंगन हार और कंगन हार होता है गले में पहना जाता है कंगन हाथों में हार और कंगन दोनों ही क्या है आभूषण है ना ये हो गया हार ये है कंगन दोनों ही क्या है दोनों ही आभूषण है दोस्तों दोनों ही क्या है दोनों ही आभूषण है याद रखना हार और कंगन दोनों ही क्या है दोनों ही आभूषण है, है? आभूषण ये डायग्राम किस ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर सी में दिया है दोस्तों तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया दोस्तों वेरी गुड जबरदस्त तैयारी है आपकी लाजवाब तैयारी है वह मेरे लाडलो क्या बात है यार जबरदस्त बहुत बढ़िया चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा

S.S.C. G.D. का एग्जाम 10 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों S.S.C. G.D. का एग्जाम 10 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा ठीक है ना जी हां मेरे लाड लो मेरे शेर शेरनी हो एस एस का एग्जाम 10 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा 10 जनवरी से कहाँ खोए कहा हुए हैं आप यार जोन में कैसे जाएगा यार नहीं नहीं जोन में नहीं है अभी 10 जनवरी से स्टार्ट होगा 10 जनवरी से बस आप पढ़िए और आगे बढ़िए ठीक है चलेगा क्वेश्चन क्या दिया है देखिए दोस्तों इस समीकरण में चार ऑप्शन दिए हैं चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को उठा के हमें देखना है वैसे जब भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो कोई ट्रिक नहीं है सोल्व करने की चारों ऑप्शन को दोस्तों मैच करके देखना पड़ेगा तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को मैच करेंगे क्या दिया है प्लस और भाग भाग की पलस, पलस की भाग की की जगह जगह प्लस प्लस तो यहां भाग है यहां प्लस हो जाएगा यहां यहां प्लस है तो यहां भाग हो जाएगा माइनस है है गुण, है ठीक गुणा ये हो गया सेम सेम दोस्तों ये दो स्थान हम दो जो निशान चिन्ह है हम आपस में बदलेंगे तो नया समीकरण क्या बन गया दोस्तों हमारा देखिए जीरो प्लस में पंद्रह भाग में पंद्रह माइनस में दस और गुणा दस ठीक है ये बन गया बराबर में हमें दोस्तों क्या निकालना नाइनटी नाइन माइनस में निकालना है ठीक है अब देखिए दोस्तों पंद्रह को पंद्रह से भाग करेंगे पंद्रह को पंद्रह से भाग करेंगे तो हो गया एक एक हो गया जीरो का आप छोड़ दीजिए पहले कोई मतलब नहीं एक हो गया अब देखिए दस को दस से गुना करेंगे कितना गया सो एक माइनस में सो बराबर में देखिएगा दोस्तों माइनस में नाइनटी नाइन आ गया ना आ गया तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा ठीक है ना जो ऑप्शन नंबर ए है इसको दोस्तों यहां इन ऑप्शन नंबर ए में जो चिन्ह दिए ना इनको आपस में जब हम बदलेंगे तो जो आंसर है इस समीकरण का वो माइनस नाइनटी नाइन आ जाएगा ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ठीक है जी हाँ चलेगा नेक्स्ट देखिएगा यदि प्लस का अर्थ गुणा है माइनस का अर्थ प्लस गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ माइनस तो इन निम्न समीकरणों का मान ज्ञात कीजिएगा फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट दोस्तों बस दो तीन क्वेश्चन और प्रोम क्लास में ज्यादा नहीं है दो तीन क्वेश्चन की, की क्लास और बचे बस दो तीन क्वेश्चन की क्लास और बचे है मेरे साथियों बस पढ़ेगा सब बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं क्लास में दो तीन क्वेश्चन और बचे हैं बस पढ़ लीजिए दो तीन क्वेश्चन और बचे हैं सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज दोस्तों पढ़ लीजिएगा दो तीन क्वेश्चन और हैं इस क्लास में बस चलेगा दोस्तों इस क्वेश्चन को फटाफट सोल्व करते हैं देखिए ये बोल रहा है कि प्लस का अर्थ है गुणा ठीक है माइनस का अर्थ प्लस है चलेगा तो फटाफट हम निशान चेंज करते चिन्ह को चेंज करेंगे फटाफट भाग का अर्थ बोल रहा है घटा भाग का अर्थ घटा है और प्लस का अर्थ दोस्तों गुणा है माइनस का अर्थ बोल रहा है प्लस और गुणा का अर्थ बोल रहा है भाग ठीक है तो नया समीकरण क्या बन गया हमारा इक्कीस माइनस आठ गुणा दो प्लस में बारह और भाग में हो गया तीन ये हमारा नया समीकरण बन गया इसमें आंसर इसका आंसर क्या ये हमें निकालना है तो मेरे साथियों कैसे क्या करेंगे आपको दोस्तों मैं बता देता हूं आठ और जो दो दिया है ना आठ और दो को क्या करेंगे आपस में गुणा कर देंगे क्या हुआ देखिए इक्कीस माइनस में आठ और दो को कर दिया हमने गुणा सोलह हो गया बारह को तीन से भाग कर दिया बारह को तीन से भाग कर दिया प्लस में हो गया चार अब देखिएगा इक्कीस में से हम सोलह घटा देंगे दोस्तों इक्कीस में से सोलह घटा दिया कितना बचा कितना बचा पांच तो पांच प्लस में बचा हुआ चार कितना हो गया नो तो नो इस क्वेश्चन का होगा आंसर किस ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर डी में दिया है दोस्तों इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों मुझे पता था आप ना यह क्वेश्चन छोड़ के भागेंगे मुझे पता था आपकी गलती नहीं है आपकी गलती नहीं एक क्वेश्चन ऐसे है यार लेकिन एग्जाम में आते हैं करे भी क्या करवाने पड़ते हैं मुझे पता था क्लास छोड़ के भागेंगे आप और मुझे पता था दोस्तों मुझे ये भी पता है कि क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आते हैं आएंगे आएंगे सौ परसेंट आएंगे, आएंगे। ठीक है कोई रोक ही नहीं सकता है अब आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे पहले भी आए हैं आगे भी आएंगे आते रहेंगे चलेगा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा चलेगा यदि अड़तालीस प्लस अठारह बराबर तीस है सताइस प्लस पंद्रह बराबर बारह हो तो पचपन प्लस में बीस का मान क्या होगा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी दोस्तों हमारी जो अगली क्लास है जीके का बेहतरीन डोज होगा और बहुत ही जबरदस्त क्लास होगी लाजवाब क्लास होगी कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन बेहतरीन जबरदस्त जीके की टॉप क्लास आएगी जीके की टॉप क्लास आएगी दोस्तों अभी ठीक है और क्लास को ज्वाइन करना है नौ बजे नौ बजे क्लास है यार नौ बजे ठीक है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको दूंगा मैं और अगली क्लास का लिंक भी आपको दूंगा मैं चिंता करने की कोई बात नहीं जो बच्चा इस क्लास को कंप्लीट लेगा अवश्य कामयाब होगा उसको सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा कोई रोक नहीं सकता है खान कहाँ रहते हैं चलिए सॉरी खान आपको अब आप माफ़ी चाहता हूँ मैं ठीक है खान माफ़ी चाहता हूँ मैंने आपको बोला कि आप क्यों कहाँ रहते हैं ना कोई बात नहीं आपकी मर्जी आएंगे नहीं आएंगे ना कोई दिक्कत नहीं है लेकिन खान आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मैंने देखा है कि आप कहीं और पढ़ रहे हैं जहाँ पढ़ रहे हैं ना वहाँ की कमी आपको बता दूंगा मैं तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे बात करना खान आपके पास गुरुकुल एकेडमी का नंबर तो है खान आपके पास गुरुकुल एकेडमी का नंबर तो है ही तो व्हाट्सएप पर इस क्लास के तुरंत बाद प्लीज रिक्वेस्ट है मुझसे बात कीजिएगा ठीक है रिक्वेस्ट आपसे ठीक है ना खान चलेगा फिर क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं सबसे पहले जो समीकरण हमारा दोस्तों उत्तरी था ना उसको देखेंगे पहले उसका उत्तर कैसे आया अड़तीस प्लस अठारह दिया सॉरी अड़तालीस प्लस अठारह दिया ना देखिएगा अड़तालीस प्लस में अठारह कैसे आए सबसे पहले हम देखेंगे ये ठीक है तो क्या करेंगे दोस्तों निशान चेंज कर देंगे अड़तालीस माइनस में अठारह कितना हुआ तीस आया देखिए तीस यहां दिया है अब आएगा समीकरण नंबर सेकंड में सताइस और प्लस में दिया है पंद्रह किसके बराबर बारह के बराबर है तो क्या करेंगे सताईस में से पंद्रह घटा देंगे कितना बचा बारह बारह देखिए यहां दिया है इसी प्रकार दोस्तों हमारे जो अनुतरित समीकरण उसको लेंगे पचपन प्लस में बीस ठीक है इसका मान निकालना है तो पचपन में से क्या करेंगे पचपन माइनस में बीस कर देंगे कितना आ गया दोस्तों ये ये आ गया कितना कितना आ गया दोस्तों ये ट्वेंटी सॉरी बीस को निकाल देंगे तो आ जाएगा थर्टी फाइव थर्टी फाइव इस क्वेश्चन का होगा आंसर किस ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर बी में दिया थर्टी फाइव थर्टी फाइव दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत बहुत बढ़िया वेरी वेरी so गुड बहुत बढ़िया चलेगा फिर अगला क्वेश्चन देखते क्या दिया देखिएगा चार स्टार सात स्टार से बराबर छह सौ अठानवे है तीन स्टार पांच स्टार जीरो बराबर पांच सौ बहत्तर है तो छः स्टार दो स्टार एक का मान क्या होगा जल्दी से आंसर देंगे पहली बार दोस्तों क्लास में आए हैं सभी जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथ में दोस्तों बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे रोज़ क्लास में आना है दोस्तों ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो जाए अगर आप एस एस के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं सिलेक्शन चाहते हैं तो रोज क्लास में आना स्टार्ट कर दीजिए सिलेक्शन हो जाएगा सौ परसेंट होगा कोई रोक ही नहीं सकता है सौ परसेंट आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों कैसे सब्सक्राइब करना है क्लास के नीचे देखिएगा दोस्तों ब्लैक कलर की पट्टी में सब्सक्राइब लिखा हुआ है क्लास के नीचे देखिएगा ब्लैक कलर की पट्टी में सब्सक्राइब लिखा हुआ है जल्दी से वहां पर क्लिक करेंगे जैसे आप वहां पर क्लिक करेंगे तुरंत दोस्तों आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे ठीक है चलेगा दोस्तों फटाफट क्वेश्चन सोल्व कर लेते सबसे पहले समीकरण हमारा एक इसको लेंगे क्या है देखिए चार सात छ दिया इसको क्या दे लिख दिया छ नौ आठ छह सौ अठानवे में लिख दिया देखिए चार में क्या किया दो जोड़ दिया ठीक है छ हो गया सात में दो जोड़ दिया दोस्तों सात में दो जोड़ा नौ हो गया छे में दो जोड़ दिया हो गया आठ इसी प्रकार देखिएगा दोस्तों यहां पर देखिएगा तीन में क्या किया दो जोड़ दिया पाँच हो गया पांच में दो जोड़ दिया सात हो गया और जीरो में दो जोड़ दिया दोस्तों हो गया दो ठीक है उसी प्रकार दोस्तों हम जो हमारा अनुत्तर समीकरण है छे स्टार दो स्टार एक ये दिया इसका निकालेंगे छ में जोड़ेंगे दो छ में दो जोड़ देंगे हो जाएगा आठ दो में दोस्तों दो जोड़ देंगे हो गया कितना चार ठीक है एक में दोस्तों हम दो जोड़ेंगे तो हो गया तीन तो आठ सौ तैंतालीस एट फोर थ्री किस ऑप्शन में दिया है यह दिया है ऑप्शन नंबर डी में तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा एट फोर्टी थ्री 843 इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट right आंसर हो जाएगा उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा अगला क्वेश्चन देखिए चलेगा श्रृंखला में अगला पद एक तीन पांच ग्यारह इक्कीस तैतालीस पचास एक सौ इकहत्तर जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे फटाफट क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा फटाफट जल्दी से सीरीज का क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन है आठ से लेकर दस क्वेश्चन आठ से दस क्वेश्चन सीरीज के आएंगे आपके एग्जाम में जी हाँ दोस्तों आठ से लेकर दस क्वेश्चन सीरीज के आएंगे दोस्तों आपके एग्जाम में सो परसेंट आएंगे कोई रोक ही नहीं सकता है सो परसेंट आएंगे सो परसेंट ठीक है तो अब जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे सभी साथी क्या आएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बहुत बढ़िया यार वेरी वेरी गुड जल्दी से देंगे आंसर फटाफट बताएगा जल्दी से आंसर क्या होगा देखिएगा एक को यहां पर क्या किया दोस्तों एक को दो से गुणा करके एक जोड़ दिया ठीक है एक जोड़ दिया दोस्तों ठीक है याद रखना एक जोड़ दिया अब देखिए आगे तीन को क्या किया दो से गुना करके एक घटा दिया तीन को क्या किया दोस्तों यहां पर देखिए तीन को क्या किया है देख लीजिए आप अच्छे से यहां पर मेरे शेर शेर ने तीन को दो से गुना करके एक घटा दिया अब देखिए पांच को दो से गुणा किया और एक जोड़ दिया ठीक है अब देखिए ग्यारह को क्या किया दो से गुणा करके एक घटा दिया इक्कीसों सॉरी हाँ इक्कीस हो गया अब देखिए इक्कीस को यहाँ पर दो से गुणा करके एक जोड़ दिया अब देखिएगा आगे तैंतालीस को दोस्तों दो से गुणा किया और एक घटा दिया एटी फाइव हो गया अब देखिए एटी फाइव को यहाँ पर क्या किया दो से गुणा करके एक जोड़ दिया वन सेवेंटी वन हो गया अब दोस्तों क्या आएगा देखिए अब आएगा क्या करेंगे ए वन सेवेंटी वन को दोस्तों दो से गुणा करके एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों टू क्या आएगा बताएगा फटाफट फ़ड़ थ्री फोर्टी वन आ जाएगा तीन सौ इकतालीस किस ऑप्शन में दिया है तीन सौ इकतालीस दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी थ्री फोर्टी वन चलेगा नेक्स्ट देखिए देगी श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए फटाफट जवाब देंगे जल्दी से क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों रोज क्लास में आया करें यार आप कहाँ रहते हैं रोजाना क्लास में ये जो बच्चा इस क्लास में रोज आएगा ना उसका सिलेक्शन होगा सौ परसेंट को रोक ही नहीं सकता है मेरे साथियों रोज क्लास में आया करें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए आप कामयाब हो जाए आपको दोस्तों कामयाब बनाना है हर हाल में हर हाल में आपको कामयाब बनाना है कुछ भी हो जाए चाहे देखिए क्वेश्चन दिया है देखिए दोस्तों बेहतरीन है ये जबरदस्त है कैसे क्या करना है देखिए सिक्सटी नाइन में यहां पर दोस्तों देखिए में जोड़ दिया चालीस एक सौ नब्बे में जोड़ दिया दोस्तों यहां 50. कितना जोड़ा यहां अरे यार यहां पर मिस्टेक कर रखिए एक सौ नब्बे नहीं यहां एक सौ नो आएगा यार एक सौ नो आएगा यहां एक सौ नो आएगा ठीक है माफी चाहते एक सौ नो आएगा उनहत्तर में जोड़ा चालीस एक सौ नो हो गए माफी चाहता हूं सॉरी में जोड़ दिया चालीस एक सौ नौ हो गया एक सौ नौ में जोड़ा पचास एक सौ उनसठ आ गया ठीक है एक मिनट दोस्तों में इसका सग्रे छोट लेता हूं यार टाइपिस्ट को बोलना पड़ेगा ना हाँ चलेगा देखिए एक सौ उनसठ में दोस्तों यहां पर क्या जोड़ दिया साठ जोड़ दिया दो सौ उन्नीस हो गया अब 219 में देखिए दोस्तों यहां पर जोड़ दिया कितना 70 जोड़ दिया दो सौ नवासी 40 50 चालीस पचास साठ सत्तर अब आएगा 80 जोड़ेंगे तो दो सौ नवासी में जोड़ देंगे 80 कितना आएगा 369 सिक्सटी नाइन थ्री सिक्स नाइन किस ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर सी में दिया है थ्री सिक्सटी नाइन तीन सौ उनहत्तर इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है ऑप्शन नंबर सी अभिषेक कुमार बहुत बड़े नेहा कुशवास शिवम वेरी गुड बहुत बड़े निशा दहिया वेरी वेरी गुड ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इस क्वेश्चन का होगा हमारा राइट आंसर नेक्स्ट बेहतरीन क्वेश्चन है तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे सीरीज का क्वेश्चन है सैंतीस तैतीस ट्वेंटी नाइन पच्चीस क्वेश्चन मार्क तो फटाफट जल्दी से इस सीरीज को पूरा कर देंगे दोस्तों क्या आएगा दोस्तों रात को नौ बजे आज हमारी बेहतरीन क्लास रहने वाली है जीके का बेहतरीन डोज होगा दोस्तों आज जीके का बेहतरीन डोज होगा आज जीके का दोस्तों बेहतरीन डोज जीके का रामबाण डोज ब्रह्मास्त्र क्लास रहेगी जीके की आज जीके की ब्रह्मास्त्र क्लास होगी दोस्तों आज समय पर पहुंच जाना जीके की ब्रह्मास्त्र क्लास रहेगी आज आज होगी जीके की ब्रह्मास्त्र क्लास समय पर क्लास में आना है और तैयारी को दोस्तों मजबूत बनाना है कभी भी क्लास को मिस नहीं करना है मेरे लाडलो मेरे शेर शेर नो बेहतरीन क्वेश्चन के साथ दोस्तों आज हमारी क्लास रहेगी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ ठीक है हरप्रीत पूर्णिमा गुड्डू बहुत बढ़िया चलेगा दोस्तों देखिएगा यहाँ देखिए थर्टी सेवन में सैंतीस में से चार घटा दिया में देखिए यहां चार ट्वेंटी नाइन में चार घटा दिया हो गया में घटाएंगे कितना आएगा इक्कीस तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों इक्कीस होगा इक्कीस किस ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर सी में दिया इक्कीस इक्कीस ट्वेंटी वन इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन है श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए फटाफट क्या की रहेगा नेहा कुशवाहा टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का नेहा टें का का टेंशन, 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 टेंशन लेने का भी टेंशन देने का भी नहीं ऐसा नहीं नेहा कुशवाहा टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का चलेगा इस क्वेश्चन को फटाफट सोल्व कर देंगे हम क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जबरदस्त है देखिए इसमें क्या क्या है दोस्तों बेहतर में से तीन घटा दिया हो गया, हो गया।, देंगे, था था आ गया। तो दोस्तों सतावन ऑप्शन नंबर डी में दिया है तो डी ऑप्शन का दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दीघी श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए दोस्तों पांच मिनट की क्लास बची है सिर्फ पांच मिनट की क्लास है फिर हमारी अगली क्लास शुरू हो जाएगी ठीक है ना सिर्फ पांच मिनट की क्लास है फिर जीके का बेहतरीन डोज होगा तो फटाफट जवाब देंगे जल्दी से क्या आएगा आंसर जी हाँ दोस्तों आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया अब तक एक हजार लाइक नहीं हुए हैं मेरे शेर शेरन क्लास में अब तक एक हजार लाइक नहीं हुए हैं एक हजार लाइक नहीं हुए हैं देखिए दोस्तों एक के बाद ए के बाद छठा अक्षर होता है जी और जी के बाद पांचवा अक्षर होता है एल एल के बाद चौथा अक्षर होता है दोस्तों पी और पी के बाद तीसरा अक्षर होता है एस छ पाँच चार तीन आ जाएगा दो तो एस के बाद एस के बाद दूसरा अक्षर होता है यू तो यू इस क्वेश्चन का होगा आंसर किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों यू यू दिया है ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट right आंसर हो जाएगा उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया दोस्तों वेरी नाइस नेक्स्ट है दीघी श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए दोस्तों पहली बार क्लास में आई हैं रोज पढ़ना चाहते कामयाब होना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों कैसे क्या करना जो स्टेप आपको मैं बता रहा हूं फॉलो कर लीजिएगा क्लास के नीचे देखिए आप ब्लैक कलर की पट्टी में सब्सक्राइब लिखा हुआ है जल्दी से दोस्तों आप वहां पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप वहां पर क्लिक करेंगे ना तुरंत दोस्तों आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे रीजनिंग जी और हिंदी हिंदी कल से शुरू हो जाएगी चिंता करने की कोई बात नहीं है कामयाब होना है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे क्वेश्चन क्या है पी सी आर एफ टी आई वी एल एक्स ओ देखिएगा दोस्तों पी के बाद पी के बाद दोस्तों आर का कौन सा स्थान है पी के बाद दूसरा अक्षर आर होता है आर के बाद दोस्तों दूसरा अक्षर होता है टी ठीक है टी के बाद दूसरा अक्षर कौन सा होता है टी के बाद दूसरा अक्षर दोस्तों वी होता है ठीक है वी के बाद दूसरा अक्षर होता है, के बाद बाद दूसरा दूसरा अक्षर अक्षर एक्स एक्स होता होता है 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 जेड 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 तो यहां हो 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 गया जेट। जेट हो गया गया एक सीधी सी बात है, चार ऑप्शन में जेड शुरुआत में ऑप्शन नंबर सी में दिया है यही रख लेंगे सी ऑप्शन हो गया इस क्वेश्चन का आंसर वैसे देखिएगा सी के बाद दोस्तों तीसरा अक्षर होता है एफ ठीक है ना दोस्तों वही मेरे साथियों एफ के बाद तीसरा अक्षर होता है आई आई के बाद तीसरा अक्षर एल एल के बाद तीसरा अक्षर होता है दोस्तों ओ तो ओ के बाद तीसरा अक्षर बताएगा पी क्यू आर जेड आर ठीक है तो आर इस क्वेश्चन का होगा आंसर किस ऑप्शन में दिया है ऑप्शन तो उम्मीद करता हूं दोस्तों श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए फटाफट ये गया ना बेहतरीन क्वेश्चन रामबाण क्वेश्चन जल्दी से सोल्व कर दीजिए फटाफट भागे मत पढ़िए आंसर क्या रहेगा अरे दो क्वेश्चन और बस क्लास में सिर्फ दो क्वेश्चन दो क्वेश्चन और

बहुत ही जबरदस्त तैयारी है आपकी लाजवाब तैयारी है तो फटाफट दोस्तों आंसर देंगे क्या आएगा आंसर बताएगा जल्दी से बहुत बढ़िया जल्दी से देना है दोस्तों आंसर क्या होगा फटाफट जल्दी से बेहतरीन तैयारी आपकी जबरदस्त तैयारी है दीजिएगा जल्दी से आंसर वेरी गुड बहुत बढ़िया रोज क्लास में आएंगे तैयारी दोस्तों मजबूत बनेगी आपकी रोज क्लास में आएंगे आपकी तैयारी मजबूत बनेगी और टॉप क्वेश्चन की क्लास अभी होगी दोस्तों टॉप तो क्वेश्चन की क्लास अभी होगी अभी तुरंत चिंता मत कीजिए आप अभी होने वाली है अभी होने वाले चिंता मत कीजिए क्लास को ज्वाइन करना है दोस्तों लिंक आपको इसी क्लास से मिलेगा एक बार फटाफट -फड़ इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे सभी क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर बढ़ेगा जल्दी से बहुत बहुत बढ़िया दोस्तों पहली बार क्लास में आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथ में दोस्तों बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे अभी दोस्तों बेहतरीन क्लास आने वाली है जीके की ब्रह्मास्त्र क्लास जीके का बेहतरीन डोज जीके का बेहतरीन डोज होगा अभी और दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन करवाए जाएंगे जबरदस्त क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन करवाए जाएंगे मेरे साथियों जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन रामबाण क्वेश्चन की क्लास है रामबाण क्वेश्चन जी हाँ मेरे शेर अभी तुरंत इसके तुरंत बाद अगली क्लास होगी और उस क्लास का लिंक मैं इसी क्लास में दूंगा आपको चिंता मत कीजिए बस आपको पढ़ना है और कामयाब होना है अब की बार एस एस सी जी डी पार आप में से कौन कौन बच्चा जी डी के एग्जाम को क्रैक करना चाहता है अगर आप दोस्तों एस एस सी जी डी के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं अभी जो क्लास आपको मैं देने वाला हूं उस क्लास को अवश्य ज्वाइन करना चलेगा दोस्तों क्वेश्चन देखिए अब क्या है देखिए बी एमओ देखिए दोस्तों बी के बाद तीसरा अक्षर होता है दोस्तों ई बी के बाद तीसरा अक्षर होता है ई ठीक है ई के बाद तीसरा अक्षर दोस्तों ई के बाद तीसरा अक्षर होता है एच तीसरा अक्षर एच होता है एच के बाद तीसरा अक्षर होता है दोस्तों के के बाद तीसरा अक्षर क्या होता है के है। के बाद तीसरा अक्षर होता है दोस्तों होता है। अब देखिए आगे दूसरा अक्सर होता है अक्सर होता है दोस्तों क्यू ठीक है ना क्यू होता है क्यू के बाद दूसरा अक्षर होता है दोस्तों एस एस के बाद दूसरा अक्सर क्या होता है एस के बाद दूसरा अक्षर क्या होता है दोस्तों यू होता है एन यू एन यू देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया ना तो अब दोस्तों में, इसी प्रकार से आप सोल्व कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा जब दोस्तों दो अक्षर सेम आ गए और, और कोई ऑप्शन सेम नहीं है तो हम ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों बी

जल्दी से आंसर देंगे सभी फटाफट अभी जीके की ब्रह्मास्त्र क्लास होगी पहुंच जाना एस एस वालों आपके लिए जीके की ब्रह्मास्त्र क्लास आएगी अभी क्लास को ज्वाइन करना मत भूलना जीके की ब्रह्मास्त्र क्लास इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है तुरंत हमारी अगली क्लास होगी ज्वाइन कर लेना ज्वाइन करना अगर जीके की ब्रह्मास्त्र क्लास को ज्वाइन करना लिंक आपको मैं इसी क्लास के इसी क्लास के कमेंट बॉक्स में देने वाला हूं ठीक है इसके बाद अंतिम क्वेश्चन होगा देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं पहले देखिए दोस्तों बी का स्थान दो है डी का स्थान चार एफ का स्थान छ एच का स्थान आठ जे दसवें नंबर पे एल बारहवें नंबर पे है एल बारहवें नंबर पे है ठीक है ना एल बारहवें नंबर पे दो चार छह आठ दस बारह दो दो का डिफरेंस है ना तो आएगा चौदह और चौदहवा अक्षर कौन सा होता है चौदहवा अक्षर होता है एन एन चौदह इस क्वेश्चन का होगा दोस्तों हमारा राइट आंसर एन चौदह इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारा आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा ठीक है चलेगा फिर अगला क्वेश्चन देखते क्या दिया चलेगा बेहतरीन क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन देखिए दी गई श्रृंखला में अगला पद याद कीजिए बेहतरीन यार हाँ, सेम प्रकार के आगे ना दो क्वेश्चन तो करवाने पड़ेंगे इस प्रकार के ना इस प्रकार के दो क्वेश्चन तो आपको करवाने ही पड़ेंगे तो जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन है नील एक नदी है तो एटलस क्या बदलेगा ग्रीन आर्मी राजपूत बॉय बताएगा जल्दी से अगली क्लास का लिंक आपको दूंगा समय पर पहुंचने अगली अगले क्लास में इनोसेंट गर्ल मंजीत निवेश नेहा प्रियंका गुप्ता बहुत बढ़िया जी के अंचल अजय किंग चौहान जी निशा राधा ठाकुर बहुत बढ़िया राधा ठाकुर बहुत बढ़िया वेरी गुड गायत्री शिवम येदुवंशी नहीं चिंता मत कीजिए शिवम येदुवंशी चिंता मत कीजिए नील दोस्तों क्या है हाँ हाँ ओके विपिन राव नेहा कुछ जिस प्रकार नील एक नदी है ना तो एटलस क्या है एटलस एक है। एटलस है? एक एक पर्वत है है क्या है दोस्तों एटलस एक पर्वत है चलेगा इसी प्रकार का क्वेश्चन देखिएगा सरसों बीज फूल गोभी जल्दी से इस क्वेश्चन को फटाफट -फड़ सोल्व करेंगे जल्दी से दोस्तों अभी ना अगली क्लास होगी सिर्फ दो मिनट बाद सिर्फ दो मिनट बाद दोस्तों हमारी अगली क्लास होगी अगली क्लास में पहुंच जाना है सिर्फ दो मिनट के बाद हमारी अगली क्लास होगी और क्लास का लिंक में अभी देने वाला हूँ इसी क्लास में जीके की क्लास है जीके की ब्रह्मास्त्र क्लास है जीके की ब्रह्मास्त्र क्लास है और क्लास को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है बेहतरीन क्लास जी की ब्रह्मास्त्र जी की ब्रह्मास्त्र क्लास होगी अभी सिर्फ मेरे प्यारे साथ जी की ब्रह्मास्त्र क्लास आएगी और मात्र सवा घंटे में ठीक है लगभग आपको मैं डेढ़ सौ क्वेश्चन करवा दूंगा ब्रह्मास्त्र क्लास रहेगी जीके की क्लास को ज्वाइन करना मत भूलना बेहतरीन क्लास अभी होगी दोस्तों चिंता मत कीजिए अगर आप प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे ठीक है मेरे शेर शेर न्यू जी हां लाड लो बहुत बढ़िया चलेगा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है जिस प्रकार सरसों दोस्तों एक बीज है ना तो फूल गोभी क्या है फूल गोभी एक सब्जी है ठीक है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर अगला क्वेश्चन देखते इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बताएगा आंसर क्या रहेगा आर्मी फिटनेस रोज क्लास में संदीप यादव मैथ नहीं पढ़ाता हूं मैं दोस्तों आज गले में थोड़ी प्रॉब्लम है ना गले में दर्द है इस कारण से क्लास अच्छे से नहीं हो पाई है रियल में यार आज मुझे ना क्लास करवाने में मजा नहीं आया क्यों नहीं आया पता है क्योंकि गले में दिक्कत इस कारण से ऐसा हो गया बाकी क्वेश्चन सभी बहुत जबरदस्त हैं रोज क्लास में आना है ये क्लास दोस्तों रोज शाम को सात बजे रहती है रोज शाम को सात बजे दोस्तों हमारी ये क्लास रहती है रोज क्लास में आया करें लाडली रिया अजय किंग जी हाँ दोस्तों ये क्लास रहती, रहती है रोज शाम को सात बजे रोज आना रहती है रोज क्लास में आय करें रोज क्लास में ये तैयारी को दोस्तों मजबूत बनाइए ठीक है ना अगर आप पहली बार क्लास में आइए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे कैसे क्या करना है क्लास के नीचे देखिएगा ब्लैक कलर की पट्टी में सब्सक्राइब लिखा हुआ है जल्दी से आप वहां पर क्लिक करेंगे जैसे दोस्तों आप वहां पर क्लिक करेंगे ना तुरंत दोस्तों आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे ठीक है गार्गी बहुत बढ़िया और अगली क्लास अभी नौ बजे है ये दोस्तों रोज

सुमित ऐसा भी तो देखिए मेरे साथियों अगर आप एस 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 सी जी डी के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो मेरे प्यारे साथियों रोज क्लास में ये, पूरे दिन क्लास रहती है कभी भी क्लास को मिस मत कीजिए अवश्य आपका एग्जाम निकलेगा बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा आपका ठीक है तो ये क्वेश्चन है अंतिम और अभी आपको मैं क्लास में देखिएगा एक नीले रंग का दोस्तों लिंक दे रहा हूं इस लिंक पर क्लिक करके ना सभी मेरे शेर शेर ने अगली क्लास को ज्वाइन कर लेंगे अगली क्लास का लिंक दे रहा हूं मैं ठीक है ना अगली जो अभी जो जीके के दोस्तों ब्रह्मास्त्र क्लास होगी ना ब्रह्मास्त्र क्लास का लिंक मैं क्लास में शेयर कर रहा हूं इस लिंक पर क्लिक करके अगली क्लास

हूं। इस लिंक पर क्लिक करके जल्दी से अगली क्लास को ज्वाइन कर लेंगे अगली क्लास का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में शेयर कर रहा हूं जल्दी से सभी मेरे शेयर शेयर ने फटाफट अगली क्लास से पहुंचेगा इस क्लास के तुरंत बाद हमारी अगली क्लास शुरू हो रही है ठीक है ये क्लास दोस्तों रोज शाम को सात बजे रहती है रोज शाम को सात बजे एस एस के लिए रीजनिंग की ब्रह्मास्त्र क्लास होती है और याद रखना दोस्तों अभी जो अगली क्लास है नौ बजे फिक्स टाइम है नौ बजे लेकिन अब इस क्लास के तुरंत बाद अगली क्लास होगी सुबह छह बजे पहली क्लास होती है सवा आठ बजे फिर उसके बाद साढ़े बजे फिर शाम को साढ़े बजे और मॉर्निंग में सवा बजे भी क्लास रहती है अगर आपने गुरुकुल अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस क्लास के दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम

होगी जीके का ब्रह्मास्त्र डोज जीके का ब्रह्मास्त्र डोज और क्लास को कंप्लीट लेना है फेस्ट क्वेश्चन लेकर अंत तक तो पहुंचेगा जल्दी से अगली क्लास में अगली क्लास अभी शुरू हो रही है तुरंत अभी ठीक है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे क्लास के नीचे देखिएगा दोस्तों ब्लैक कलर की पट्टी में सब्सक्राइब लिखा हुआ है जल्दी से आप वहां पर क्लिक करेंगे जैसे ही वहां पर क्लिक करेंगे ना तुरंत दोस्तों एक बेल आइकन दिखाई देगा बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और सभी साथी जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करें अपने दोस्तों के पास शेयर करें क्लास को लाइक करना मत भूलना अब जल्दी से अगली क्लास को ज्वाइन करना अगली क्लास में शुरू कर रहा हूं ठीक है तो मिलते हैं अभी अगली क्लास में जल्दी से पहुंचेगा थैंक्स फॉर वाचिंग जय हिंद जय भारत वंदे मातरम